एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर दैट इज कोरिलेशन एनालिसिस। सुपर इजी चैप्टर है, कोरिलेशन एकदम स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब ज्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं है, क्वेश्चन भी इजी, बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें करना क्या है, मैंने एक साथ सारे फॉर्मूलाज लिख लिए ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हैंड रिटन फॉर्मूलाज की, ध्यान से देखना। यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कर रहे होंगे। क्वेश्चंस में ये समझेंगे कि क्वेश्चन दे के कैसे पता चले कि ये इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला का क्वेश्चन है। सेकेंड, पता लग भी गया इस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज हम समझ रहे होंगे। कैलकुलेशन पार्ट नहीं करेंगे बट कंसेप्ट लगाना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। सारे फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेंगे। इससे पहले मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मीन, मोड, मीडियन, इनके भी हम वन शॉट कर चुके हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी, तो वो चैप्टर्स भी आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, सुपर सुपर ईजी। बस सारा ध्यान इधर ले आओ, कहीं कुछ नहीं सोचना, बस स्क्रीन पे आ जाओ। हाँ जी, कोरिलेशन के अंदर मेन तीन चीजें ही हमने पढ़नी है, तीन टॉपिक्स के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। जैसे ये तीन टॉपिक्स खत्म, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन से तीन है? पहला है कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, ये हम पढ़ रहे होंगे, और यही लेंथ ही है, ये दोनों नीचे वाले तो है भी नहीं लेंथ ही, तीन टॉपिक्स करने हैं, तीनों भी सिर्फ एक ही लेंथ ही टॉपिक है, बाकी है भी नहीं। सेकेंड टॉपिक कौन सा है? स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मैथड, इंपॉर्टेंट है ये भी, एंड कॉन्करेंट डेविएशन मैथड, ये तीनों के तीनों मैथड इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये तीन मैथड खत्म होते ही चैप्टर कंप्लीट, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर टोटल 5 फॉर्मूलाज है। कितने फॉर्मूलाज है? 5। कार्ल पियर्सन्स के अंदर हम 5 फॉर्मूलाज ही लर्न कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, पहले बात आ जाती है इंडिविजुअल सीरीज की। मैंने आपको बताया था कि स्टैट्स के अंदर सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही डिवाइड है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट, कंटिन्यू, जैसे बताया था, तो हम इन सीरीज के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूलाज लर्न कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन के अंदर आ जाएंगे, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर टोटल फॉर्मूला कितने हैं? 5। उसमें से 4 फॉर्मूलाज हम इंडिविजुअल सीरीज के ही कर रहे होंगे, एक फॉर्मूला है अलग से, समझ आई चीज। टोटल कार्ल पियर्सन के 5 फॉर्मूला है, उसमें से 4 इंडिविजुअल सीरीज के लिए ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला जो है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, दैट इज एक्चुअल मीन मेथड। पहला फॉर्मूला कौन सा है? एक्चुअल मीन मेथड, जो मीन के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अज्यूम्ड मीन मेथड। ये फॉर्मूलाज की नेम याद होंगे तभी फॉर्मूला याद होंगे और फिर हम क्वेश्चन पे जा रहे होंगे, तो पहले नेम भी ध्यान से याद रखो कि इंडिविजुअल के अंदर पहला एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड मेथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा का यूज करके कैसे हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, थर्ड मेथड वो है। फोर्थ इज वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। ये क्लास के अंदर ही सब मायने बिठाते चलो, पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो कार्ल पियर्सन के इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये 4 फॉर्मूलाज हमारे पास है, एक्चुअल मीन, अज्यूम्ड मीन, यूज ऑफ एक्चुअल डाटा एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट कौन सा है? दैट इज एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन नाम ही बता रहा है कि मीन का यूज करना है। एक्चुअल मीन मतलब मीन का यूज करेंगे। ठीक है, मीन मतलब एक्स बार वाई बार। कोरिलेशन के अंदर 2 सीरीज होती है, एक्स की वाई की, तो जो हमारे फॉर्मूलाज है वो भी एक्स वाई इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल मीन मेथड में मीन इन्वॉल्व होगा, एक्स बार वाई बार इन्वॉल्व होगा। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ये, साथ साथ रहते हैं, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। फिर ये अपना भी अलग अलग घर बनाते हैं, बिल्कुल नीचे 2 रूट आते हैं, फिर इसी का स्क्वेयर करना होता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर।
समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, बस इतना सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। क्या करना है, पहले साथ रह रहे थे समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, फिर इन्होंने अपने अपने घर ले लिए, लेकिन इनके पास स्क्वायर भी आ गया और रूट भी आ गया, तो समीशन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, रूट। वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर यहाँ क्या आएगा, रूट। दिस इज द एक्चुअल मीन मैथड। क्लियर है चीज़, यहीं पर लर्न हो जाएंगे फॉर्मूला, अगर स्टोरी की तरह कॉन्सेप्ट से चीज़ें समझोगे। नेक्स्ट इज एज्यूम्ड मीन मैथड। एज्यूम्ड मीन मैथड क्या होता है, एज्यूम्ड का मतलब होता है इसमें ए इन्वॉल्व होगा। जब एज्यूम्ड मीन लिखा हो मतलब ए इन्वॉल्व होगा, ए का मतलब क्या होता है कि वो डेविएशन दे रहा होगा, मतलब फॉर्मूला में डी आ रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है, जहाँ पे भी एज्यूम्ड मीन मैथड हो उसके फॉर्मूला में डी आता ही आता है। एज्यूम्ड मतलब ए, ए से क्या आएगा, दैट इज डी डेविएशन, तो उसके फॉर्मूला में डी होगा ही होगा। देखो यहाँ फॉर्मूला में डी है, ठीक है। अब इतना बड़ा सा फॉर्मूला कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको स्टोरी की तरह देखो। पहले क्या था, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, डी एक्स डी वाई, एन लगा दिया ना, एन हमने आगे लगाना ही लगाना है, ठीक है। पहले क्या हुआ, डी एक्स डी वाई बहुत अच्छे फ्रेंड थे, एक समीशन के अंदर रह रहे थे, फिर इनकी लड़ाई होगी, भाई नहीं हम साथ नहीं रह सकते, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग अपना घर ले लिया। पहले एक साथ रह रहे थे समीशन के अंदर, फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं हम साथ नहीं रह सकते, माइनस इन्होंने अलग अलग घर ले लिया, समीशन डी एक्स समीशन डी वाई, ठीक है। और नीचे भी एक अपना अलग अलग घर बनाया, एक रूट एक्स वालों का होगा, एक रूट वाई वालों का होगा। यहाँ पे n आगे आना ही आना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, समीशन्स आएंगे, बहुत ध्यान से चीज़ समझो, n डी एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे n समीशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर, यहाँ यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। सिर्फ लिखा हुआ फॉर्मूला मार्क नहीं किया, ये बनता कैसे है वो स्टोरी भी आपको बता रही हूँ, ताकि आपके माइंड में चीज़ें रहें। तो n इंटू, पहले ये साथ रहते थे, फिर इनके समीशंस अलग अलग हो गए, बीच में माइनस आया। नीचे क्या है, रूट है अलग अलग, पहला एक्स वाले का रूट, फिर वाई वाले का रूट, एन इंटू समीशन डी एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे एन इंटू समीशन डी वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। दिस इज एज्यूम्ड मीन मैथड। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लिया, आगे वाले फॉर्मूलाज ईजी लगेंगे, क्योंकि वो इसी पैटर्न के ऊपर है। बताओ इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत, यहीं के यहीं क्लास में लर्न हो गया, बताओ। अच्छे से साथ में नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, एक बार साथ साथ फॉर्मूलाज लिख लो, आपको टिप्स भी हो जाएंगे फॉर्मूला। आगे चलते हैं, ज्यूम्ड मीन के बाद थर्ड कौन सा था, यूज ऑफ एक्चुअल डाटा, की एक्चुअल डाटा का यूज करके हम कैसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला ज्यूम्ड वाला है, देखो सेम फॉर्मूला, बस जहाँ जहाँ डी एक्स है वहाँ सिर्फ एक्स आएगा, और जहाँ जहाँ डी वाई है सिर्फ वाई आएगा, पैटर्न वही है। एन इंटू समीशन एक्स वाई, फिर इनकी लड़ाई हुई, समीशन अलग अलग कर दिए, बिल्कुल सही। फिर आगे क्या किया, पहले एक्स वाले ने अपना घर बनाया, और फिर वाई वाले ने अपना घर बनाया, एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये एन डी एक्स कैसे सब निकालना है क्वेश्चन में बताऊंगी, डोंट वरी, अभी सिर्फ फॉर्मूलाज अच्छे से समझो। तो यूज ऑफ एक्चुअल डाटा है, कोई मीन नहीं यूज होगा, कोई अज्यूम्ड मीन नहीं यूज होगा, सिर्फ एक्स एंड वाई ही यूज होगा। तो जितने भी डी एक्स डी वाई थे, सेम पैटर्न सब कुछ यही है, डी एक्स की जगह एक्स और डी वाई की जगह वाई आएगा। बताओ ये तीनों मैथड क्लियर है पक्का, कौन सा एक्चुअल मीन मैथड, assumed mean method, and third one is based on actual data. Clear है यहाँ तक पक्का। Fourth formula, मैंने क्या कहा था, individual series के कितने formula हैं, individual series के four formulas हैं। Total Carl Pearson के अंदर ही, इसके अंदर total पांच formulas ही करने हैं हमने, जिसमें से individual series चार के चार ले गए, एक बचा है, individual series ही चार ले गया, तो तीन हमने कर लिए, fourth वाला देखो, that is variance covariance method। अब screen पे बस ध्यान दे दो, इस method के लिए screen पे देखो बस, अभी कुछ नोट डाउन नहीं करना, पहले स्क्रीन पे देखो। वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड मतलब इसमें वेरिएंस भी यूज होगा, कोवेरिएंस भी यूज होगा, तो इसमें हम वेरिएंस कोवेरिएंस यूज करना है। बाद में क्या लिखा है, कोवेरिएंस, लेकिन फॉर्मूला में हम पहले लिखेंगे।
चाहे नाम में कोवेरियंस बाद में है लेकिन फॉर्मूला में हम पहले लिख रहे होंगे। कोवेरियंस ऊपर आ गया, नीचे आ जाओ, नीचे वेरियंस आता है, वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई। नीचे है तो इसके पास अपना घर होगा, वेरियंस के ऊपर भी स्क्वेयर रूट है एक्स वाले पे, और वेरियंस वाई के ऊपर भी स्क्वेयर रूट है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरियंस कोवेरियंस मैथड। किसके लिए है ये? कोरिलेशन के लिए। क्लियर है चीज? इससे ना और भी फॉर्म्स बन सकती हैं। कैसे? पुटिंग करके। देखो मेरी बात ध्यान समझना, जब अंडर रूट होता है ना वेरिएंस का, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो वेरिएंस के अंडर रूट को सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे इसकी एक और फॉर्म भी बन सकती है। फॉर्मूला यही है, फॉर्म बदल रहे हैं। वेरिएंस अंडर रूट को क्या लिख देंगे? सिग्मा एक्स। वेरिएंस अंडर रूट को क्या लिख देंगे? सिग्मा वाई। तो फॉर्मूला यही है लेकिन उसकी फॉर्म बदल दी, इसकी जगह हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर वेरिएंस दिए हुए तो ये फॉर्मूला पकड़ लेंगे, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिए हुए तो ये फॉर्मूला पकड़ लेंगे। बताओ ये चीज क्लियर है? पक्का देख लो, चले आगे। नेक्स्ट देखो, इसकी एक फॉर्म क्लियर होगी जो मेन है, इससे ये बनी ये भी क्लियर है। थर्ड लास्ट फॉर्म है, हम कोवेरियंस की भी वैल्यू डाल सकते हैं। किसकी वैल्यू डाल सकते हैं? कोवेरियंस की। कोवेरियंस की वैल्यू क्या होती है ध्यान से देखना, दैट इज समीशन आएगा, एक्स माइनस एक्स बार आएगा, y माइनस वाई बार आएगा अपॉन n। ये हमारे कोवेरियंस की वैल्यू है जो हम यहाँ डाल सकते हैं। क्या? समीशन x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, नीचे n। तो वही डाल रही हूँ यहाँ पे, समीशन x माइनस एक्स बार, ठीक है, y माइनस वाई बार, ठीक है, अपॉन n। ये मैंने कोवेरियंस की वैल्यू डाल दी। सिग्मा है सिग्मा वाई एज इट इज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेन फॉर्मूला था लेकिन उसके दो और फॉर्म्स बन गए कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू डालती हूँ, दैट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये एक फॉर्म बन गया हमारे पास। दूसरा, अगर कोवेरियंस की वैल्यू डालती हूँ तो ये एक फॉर्म बन गया। तो फॉर्मूला मेन यही है लेकिन उसके दो और फॉर्म्स बन जाते हैं अगर हम वहाँ पे वेरिएंस या कोवेरियंस की वैल्यूज डाल देते हैं। क्लियर है चीज? तो यही सब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, यही हम मार्क कर रहे हैं। देखो ध्यान से, पहला फॉर्मूला मेन यही था कोवेरियंस वेरियंस का, फिर वेरियंस अंडर रूट के हमने क्या पुट कर दिया? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एंड नेक्स्ट फॉर्म में कोवेरियंस की वैल्यू डाल दी। ये रही वो वैल्यू, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एज इट इज। तो ये तीन फॉर्मूलाज बन गए, एक फॉर्मूला था, दो और फॉर्म्स बन गई। किसकी? वेरियंस कोवेरियंस मैथड की। तो हमारे पास कार्ल पियर्सन्स के अंदर इंडिविजुअल सीरीज के चार मेथड्स हैं। आई एम रिपीटिंग, कार्ल पियर्सन्स के अंदर इंडिविजुअल सीरीज के चार मेथड है। आपको यहीं क्लास में बोलना है मेरे साथ साथ, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड कौन सा था? यूज ऑफ एक्चुअल डाटा, एंड फोर्थ इज वेरियंस कोवेरियंस मेथड। एक मिनट ब्रेक लो फटाफट से, और इसके जितने हमने फॉर्मूलाज किए हैं ना, फटाफट से रिवाइज करो ताकि हम क्वेश्चन ईजिली कर पाए। जल्दी से एक मिनट ब्रेक लो, पोज करो यहीं पर, पहले फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? ये ग्रुप्ड का फॉर्मूला है, बाद में करेंगे हम, ग्रुप्ड क्या है ये सारी चीजें बताऊंगी। हमारे इंडिविजुअल सीरीज के चार फॉर्मूलाज हैं, वो हो चुके हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन एक बार पॉज करके पहले फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे। हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक डाटा दिया हुआ है एक्स एंड वाई की वैल्यूज, वो कह रहा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, ठीक है? कार्ल पियर्सन क्लियरली लिखा हुआ है तो हमें पता लग गया ये कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन है। अब हमारी अप्रोच क्या रहती है? हमारी अप्रोच रहती है SMF। क्या रहती है? SMF। S मतलब पहले सीरीज देखो, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं है तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। हमेशा कोरिलेशन क्वेश्चन में एक्स वाई मिलेंगे, फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही आपको यहाँ पे, तो ये क्या मिलेंगे? इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। फिर कहते हैं मेथड बताओ आप कौन सा लगाओगे। देखो अभी हमने पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, डाटा भी सिंपल है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो पहला ही मेथड लगा देते हैं। दैट इज कौन सा लगाएंगे हम? एक्चुअल मीन मेथड। मैं बताऊंगी पेपर में जाके कैसे
कैसे पता लगेगा कौन सा मेथड लगाना है, सो डोंट वरी। तो पहला ही क्वेश्चन है, तो हमने सोचा एक्चुअल मीन मेथड से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। कब एक्चुअल मीन मेथड नहीं लग सकता वो भी समझाऊंगे। यहाँ मुझे सब बढ़िया लग रहा है, नंबर्स भी ईजी दिख रहे हैं, तो मैंने कहा एक्चुअल मीन मेथड लगा लेते हैं। अब SMF में क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मूला। आपको स्टैट्स का कोई भी क्वेश्चन मिले आपको SMF लगा रहा है, मतलब सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना है SMF, सीरीज देखो कौन सी है, फिर डिसाइड करो मेथड कौन सा लगाना है और फिर फॉर्मूला लिखो इसका। फॉर्मूला क्या है एक्चुअल मीन मेथड का, यहाँ लिख दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस y बार अपॉन अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट समीशन y माइनस y बार का स्क्वायर। मैं फॉर्मूलाज जितनी बार आएंगे उतनी बार लिखूंगी ताकि आपको माइंड में चीजें बैठ जाए। चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ अब क्या करना है, अब फॉर्मूला मिलते ही ना हमें डायरेक्शन मिल जाती है। मुझे x माइनस एक्स बार y माइनस y बार ये सारी चीज़ें चाहिए, इसका मतलब पहले x बार y बार तो निकाल लूँ, तो x बार y बार पहले निकालते हैं। तो हम x नोट करेंगे सबसे पहले, हमें पता है x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x बाई n। तो हम x में से समीशन x निकालेंगे और n निकाल लेंगे। x बार कितना आ गया, दैट इज हमारे पास 5 आ गया, क्लियर है चीज़। अब x का हो गया ना, अब हम क्या निकाल लेंगे, x माइनस x बार। एक बार x बार मिल गया ना तो हम x माइनस x बार निकाल लेंगे। देखो x माइनस x बार कितना था हमारे पास, 5 आया है हमारे पास x बार। तो यहाँ पे 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, वही सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। x माइनस x बार और हमें x माइनस x बार का स्क्वायर भी चाहिए। देखो x माइनस x बार का क्या चाहिए, स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे x माइनस x बार का क्या किया है, स्क्वायर भी किया है। यहाँ पे स्मॉल x स्क्वायर, ये कहीं बुक्स में x माइनस x बार को स्मॉल x भी लिखता है तो डरना नहीं है, x माइनस x बार को स्मॉल x भी लिखता है तो डरना नहीं। आपने बस सिंपल अपना लिखना है यहाँ पे कि x माइनस x बार का स्क्वायर, कन्फ्यूजन क्रिएट करनी ही नहीं अपने लिए, जो जो चाहिए हम फॉर्मूला में निकाल देते हैं। तो ये क्या है, x माइनस x बार का स्क्वायर है। चलिए फिर हमें क्या चाहिए, y माइनस y बार भी तो चाहिए, x वाले सारे काम हो गए ना। अब y नोट कीजिए, y की हमने सारी वैल्यूज नोट की, y बार सबसे पहले निकालेंगे, y बार समीशन y बाई n, समीशन y कितना है 70, यहाँ y बार कितना आ गया 10। तो यहाँ पे पहले y माइनस y बार फिर y माइनस y बार का स्क्वायर, क्योंकि जिसके जिसके समीशंस चाहिए उन सबके कॉलम्स बनेंगे, वो सब हो गया। हमें समीशन x माइनस x बार स्क्वायर चाहिए, वो ये रहा कॉलम। हमें समीशन y माइनस y बार स्क्वायर चाहिए, ये रहा कॉलम। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, समीशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, समीशन किसका चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई का। तो हम यहाँ पे x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार भी निकालेंगे, x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, क्योंकि इसका समीशन चाहिए। तो x माइनस x बार वाले को और y माइनस y बार वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस 6 दैट विल बी 18, यहाँ पे लिखा है 18, माइनस 2 इंटू माइनस 3 दैट विल बी 6, यहाँ पे क्या लिखा है 6। तो जिसके जिसके आगे समीशन है वो आपको यहाँ पर कॉलम बनानी है ताकि आप उनको ऐड करके उनके समीशन निकाल पाओ, ठीक है। अब देखो किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, समीशन x माइनस x बार y माइनस y बार कितना आया है 58। तो हम फॉर्मूला में वैल्यूज डाल रहे होंगे, देखो कैसे वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब हम काम करते हैं, देखो जी फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला। मैंने आपको कहा था वो स्मॉल x किसको लिखते हैं, x माइनस x बार को, स्मॉल y किसको लिखते हैं, y माइनस y बार को। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होगे और कॉलम में से वैल्यूज डाल रहे होगे। तो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कितनी है 58, वो यहाँ आप इसकी जगह डाल दो। नीचे समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है 28, तो यहाँ पे देखो 28 डल रहा है, देखो ना अंडर रूट 28 डल रहा है यहाँ पे। आप अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो आंसर आएंगे। देखो यहाँ पे ऊपर इसका समीशन चाहिए था 58 आएगा, नीचे अंडर रूट किसका चाहिए x माइनस x बार का स्क्वायर का, वो कितना है 28 इंटू अंडर रूट किसका चाहिए समीशन y माइनस y बार का स्क्वायर, दैट इज 130, यहाँ पे 130। आप इसको सॉल्व करो, आपको यही आंसर 0.96 मिल रहा होगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के आंसर्स कभी भी 2, 3, 4 ऐसे नहीं आते, माइनस 1 से प्लस
प्लस वन के बीच में ही आते हैं, हमेशा याद रखना. कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन के आंसर्स माइनस वन से प्लस वन के बीच में आएंगे, 4, 5, 6 ऐसे आंसर्स नहीं आते. इसका आंसर इज 0.96. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आंसर्स आ रहे होंगे. ये चीज़ क्लियर है, चले आगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. कहता है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. मेरी बात ध्यान समझना, कुछ नहीं यहाँ बताया गया, एक्स और वाई दिया गया है. आपके पास पूरा जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, मैंने क्या कहा, पूरे चैप्टर में तीन टॉपिक है, कार्ल पियर्सन्स, रैंक और कॉन्करेंट डेविएशन. रैंक और कॉन्करेंट डेविएशन में प्रॉपरली मेंशन होता है कि वो रैंक का क्वेश्चन है या फिर उसका डेविएशन का क्वेश्चन है. यहाँ पे ना रैंक लिखा है ना कॉन्करेंट डेविएशन लिखा है, तो ये कार्ल पियर्सन से ही हो रहा होगा. मेरी बात क्लियर हो रही है, चैप्टर में तीन टॉपिक्स हम एक एक करके कवर करेंगे. यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि कौन सा है, कार्ल पियर्सन है, रैंक है. रैंक होता तो यहाँ पे लिखा होता है, रैंक गिवन है या रैंक निकालो. डेविएशन होता तो वो भी लिखा होता. अगर कुछ नहीं लिखा तो ये कार्ल पियर्सन का ही क्वेश्चन है, ठीक है. अब इसमें बात आती है, आपने एसएमएफ अप्रोच लगानी है, ठीक है. सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल. क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, एक्स और वाई दिया हुआ है. आगे मेथड कौन सा लगाएं. देखो मैं तो सबसे पहले माइंड लगाऊंगी ना कि एक्चुअल मीन मेथड लगाएं, क्योंकि वो सबसे पहला मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड लगाना चाहिए. ऐसे तो फिर सब पे एक्चुअल मीन मेथड लगाने, बाकी मेथड्स किए क्यों. अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा, पेपर में कैसे पता लगेगा. ये मेरे पास क्वेश्चन था, एक्चुअल मीन मेथड में क्या निकलता है, हम जब यूज करते हैं फॉर्मूला में आते हैं एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार. एक्चुअल मीन मेथड में यही था, मतलब मुझे वहां एक्स बार वाई बार निकालने पड़ते हैं, उससे सारी कैलकुलेशन होती है. तो मेरे माइंड में आया चलो एक्चुअल मीन मेथड ही लगा देते हैं, ठीक है. मैंने क्या किया, एक्स बार वाई बार निकाले. जब मैंने एक्स बार वाई बार निकाले तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक्स बार वाई बार पॉइंट्स में आ रहे हैं. तो फिर मुझे लगा अब एक्स बार भी पॉइंट में आ रहा है, वाई बार भी पॉइंट में आ रहा है, एक्स माइनस एक्स बार भी पॉइंट्स में आएंगे, वाई माइनस वाई बार भी. देखो ना 10 माइनस मैं 15.62 करूँगी तो भी तो पॉइंट्स में आंसर आएगा. तो जब मेरे एक्स बार वाई बार पॉइंट्स में आएंगे, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ये भी पॉइंट्स में हो जाएंगे और पूरी कैलकुलेशन पॉइंट्स वाली हो जाएगी. प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इससे भी ठीक आएगा. एक्चुअल मीन मैथड हो, एज्यूम्ड मीन मैथड हो, आंसर सेम आएगा. लेकिन मुझे पेपर में किससे जल्दी आंसर मिलेगा, किससे कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान देना है. तो यहाँ पे मैं एक्चुअल मीन मैथड से भी निकाल सकती हूँ कोफिशियंट, लेकिन यहाँ नहीं निकालूंगी. क्यों, क्योंकि एक्स बार मेरा पॉइंट्स में आ रहा है. मैं नहीं चाहती कि सारा क्वेश्चन मेरा पॉइंट्स में घूमे, सारी कैलकुलेशन मैं डेसिमल में कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्चुअल मीन मैथड यूज नहीं करूँगी. तो जहाँ पे भी एक्स बार वाई बार पॉइंट्स में आ जाते हैं वहाँ पे हम एक्चुअल मीन मैथड नहीं लगाते. तो यहाँ पे मैथड कौन सा डिसाइड हुआ, एज्यूम्ड मीन मैथड, दैट इज सेकेंड. अगर आपका मीन जो है वो पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो आप एक्चुअल नहीं एज्यूम पे जाओगे, ठीक है. ठीक है, एसएमएफ हो गया, ऐसा आपका दैट इज सीरीज आपकी इंडिविजुअल है, मैथड एज्यूम्ड है, फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, सॉरी फॉर्मूला पे आ जाते हैं. फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एन पहले आता है, ये लोग साथ में रह रहे थे, माइनस होके अलग अलग हो गए, फिर नीचे एक्स का अलग घर है. करा था ना फॉर्मूला, जितनी बार यहाँ यूज़ होगा मैं लिखूँगी ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, और आप भी लिखा करो फॉर्मूला, तभी अच्छे से लर्न होंगे, ठीक है. क्लास की एंड तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी. फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है. अब क्या करना है, फॉर्मूला डायरेक्शन देता है, हमें चाहिए dx, dy, ये सारी चीज़ें चाहिए. तो सबसे पहले नोट करते हैं x, और x वाली चीज़ें पहले सारी निकाल लेते हैं. मतलब मैं dx निकालूंगी, ठीक है, dx स्क्वायर निकालूंगी, मेरा काम हो जाएगा. dx का मतलब क्या है, डेविएशन x वाली. dx का मतलब डेविएशन x वाली, और डेविएशन हमेशा कैसे निकलती है, x माइनस a. अगर x वाली है तो x माइनस a, अगर y वाली है तो y माइनस a, है ना. अगर x वाली डेविएशन है तो x माइनस a, y वाली डेविएशन है तो y माइनस a. तो पहले मैं x वाली डेविएशन निकालूंगी dx. a कैसे चूज करते हैं, हम यहाँ वैल्यूज छोड़ते हैं, सेंट यहाँ से हम चूज करते हैं. देखो ये हमने ऊपर वाली वैल्यू छोड़ी, ये हमने नीचे वाली वैल्यू छोड़ी, यहाँ पे वैल्यू छोड़ी, जो बीच में दो मिली उसमें से ऊपर वाली लेते हैं, आपको पता है ये चीज़. तो हमें a मिल गया, तो मैं क्या निकालूंगी, पहले x माइनस a. ये x माइनस a से आया
है 10 - 16 - 6 - 12 - 16 - 4, तो मेरे पास dx आ गया। और क्या चाहिए मुझे, dx स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर नहीं है। मेरी बात ध्यान समझना, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। इसका ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि आप dx स्क्वायर का कॉलम बनाओ फिर समीशन लो। इसका मतलब क्या है कि dx का ही कॉलम का जो समीशन का आंसर आएगा उसका स्क्वायर लो। मेरी बात समझ आ रही है। इसमें क्या है कि dx स्क्वायर का कॉलम बनाओ फिर उसका यहाँ पे सम लेना। इसका मतलब क्या है कि जो सम आएगा, ये समीशन स्क्वायर के अंदर है ना, जो सम आएगा उसका स्क्वायर करो। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब मुझे dx स्क्वायर चाहिए ना, समीशन किसका चाहिए, dx का। जिसका समीशन चाहिए होता है उसका कॉलम बनता है। तो dx स्क्वायर का मतलब ये वाला, यहाँ पे इसके स्क्वायर्स कर दिए। फिर y में आ जाओ, y में क्या चाहिए हमें, y में हमें dy चाहिए, dy स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ पे भी y में से a ढूंढेंगे, उसका dy मतलब y माइनस a से निकला है, 30 - 42 - 12। dy कुछ नई चीज नहीं है, ये है y वाला डेविएशन, y माइनस a से, ठीक है। फिर dy स्क्वायर चाहिए, वो ये रहा। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। आप ध्यान से, यहाँ पे dx dy सारे आ गए। एक मुझे dx dy मल्टीप्लाई का समीशन चाहिए। किसका समीशन चाहिए, dx dy के मल्टीप्लाई का। तो dx dy का भी कॉलम बनेगा, जिसके समीशंस चाहिए होते हैं उसका कॉलम बनेगा। तो समीशन dx dy चाहिए तो dx dy का कॉलम बनेगा। सारी वैल्यूज आ गई, अब कहाँ डालनी है, फॉर्मूला में। जैसे फॉर्मूला में डालेंगे चीज़ें हमारी हो जाएंगी। एक सेकेंड, मैं चाहती हूँ थोड़ा आगे ही मिल जाए हमें चीज़ें। चलिए अब क्या डालेंगे, वैल्यूज किसकी डालनी, n की। n मतलब कितनी वैल्यूज है, ये 8 वैल्यूज है, तो n की जगह 8 आया। समीशन dx dy 138, ये रहा 138। माइनस अलग अलग के, अलग माइनस 3 × 1, सो माइनस 3 × 1। n 8, यहाँ पे समीशन dx स्क्वायर 71, तो यहाँ 71 माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर, ये रहा समीशन dx माइनस 3 उसका होल स्क्वायर। ऐसे ही y वाली वैल्यूज डाली, कैलकुलेशन करनी है, आंसर इज 0.98। फिर से देखो आंसर क्या है, माइनस 1 से 1 के बीच में। तो ये कोरिलेशन का क्वेश्चन है। तो जहाँ पे भी x बार y बार आपके पॉइंट्स में आ जाए, इट मीन्स वहाँ पे आपने एज्यूम्ड मीन लगाना है। लेकिन अगर x बार y बार नॉर्मल से नंबर आने हैं 3, 4, 5, फिर आप एक्चुअल मीन मेथड से भी कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर है। कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशियंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये प्रोडक्ट मूवमेंट कहाँ से आ गया, प्रोडक्ट मूवमेंट जहाँ लिखा हो वहाँ पे आपने एक्चुअल डाटा वाला फॉर्मूला लगाना है। हमने थर्ड फॉर्मूला किया था बाय यूज ऑफ एक्चुअल डाटा। तो जहाँ पे प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशियंट कोरिलेशन लिखा हो वहाँ पे आपको ये एक्चुअल डाटा वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने किया था अच्छे से, कौन सा फॉर्मूला था, ये रहा फॉर्मूला, किया था ना ये फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है, सिंपल सा, वही पैटर्न, dx की जगह x और dy की जगह y लिखा हुआ है। अब जो जो इस फॉर्मूला में चाहिए हम टेबल से निकाल लेते हैं। हमें x y जो भी चाहिए, समीशन x समीशन y, तो हमने x और y के समीशंस निकाल लिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, समीशन x स्क्वायर भी चाहिए, समीशन y स्क्वायर भी, तो x स्क्वायर y स्क्वायर के भी कॉलम बने। हमें समीशन x y भी चाहिए तो x y का भी कॉलम बने। तो हमने सारी वैल्यूज के यहाँ पे सम करे हैं ताकि हमें समीशन मिले। समीशन का मतलब क्या होता है कि उसका कॉलम बना के वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड करके आंसर लिखे। अगर आपका कॉलम आगे पीछे भी हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने x स्क्वायर y स्क्वायर बाद में निकाले हैं, पहले x लिख दिया फिर y लिख दिया फिर x स्क्वायर निकाला फिर y स्क्वायर निकाला फिर आपने यहाँ पे x y निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके कॉलम्स आगे पीछे भी हो गए कि मैम पहले मैंने x y लिख दिया था फिर x स्क्वायर y स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जो आपको चाहिए फॉर्मूला में अगर आपने ठीक निकाले हैं टेबल में उसका सेंस बनता है। ये नहीं कि पहले x लिखा नहीं और पहले x स्क्वायर निकाल दे, नहीं ना, पहले x लिखोगे तभी तो x स्क्वायर निकलेगा, पहले y लिखोगे तभी y स्क्वायर निकलेगा ना, फिर x y निकलेगा, सेंस बनना चाहिए। ये भी हो सकता है पहले आप x y लिख दो फिर
फिर एक्स का स्क्वायर करो, फिर वाई का स्क्वायर करो, फिर एक्स वाई करो. सेंस बनना चाहिए, चाहे कोई भी ऑर्डर में आप टेबल में कॉलम बना रहे हो, आगे पीछे हो सकते हैं, बस सेंस होनी चाहिए. आप बिना एक्स लिखे एक्स स्क्वायर का कॉलम कैसे बना दोगे, ये गलती नहीं करनी. ठीक है, तो कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, जो जो यहाँ पे है आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.996. ये हमारे पास हो गए इंडिविजुअल सीरीज के जो हमने सीखे, दैट इज एक्चुअल का भी, एक्चुअल मीन मैथड, एज्यूम मीन मैथड भी, और दैट इज यूज ऑफ एक्चुअल डाटा. नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर टू सीरीज एक्स एंड वाई को वेरियंस इज 15. ठीक है, वेरियंस कितना दिया हुआ है 36. वेरियंस y का कितना दिया हुआ है 25. कैलकुलेट द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन. क्वेश्चन में खुद जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिसाइड करना है. कोवेरियंस वेरियंस दिए हुए हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा, कोवेरियंस, और यहाँ पे दैट इज क्या बन जाएगा, वेरियंस ऑफ x, वेरियंस ऑफ y. जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला डिसाइड हो गया. वैल्यूज डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 0.50. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपका कंपलसरी क्वेश्चन बनेगा. ये क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, कंपलसरी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज, एक मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन. डाटा दिया हुआ है, यहाँ से कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है. डाटा देखते हैं, एक्स सीरीज का दिया हुआ, मतलब एन 30 है, एक्स बार 40 है, सिग्मा दिया हुआ है और समीशन एक्स वाई दिया हुआ है. सिमिलरली यहाँ पे एन वाई बार सिग्मा वाई दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा है एक्स एंड वाई क्या है, डेविएशंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स. डेविएशंस मतलब माइनस, तो एक्स डेविएशन है अपने मीन से, y क्या है, डेविएशन है अपने मीन से. तो यहाँ तो क्लियरली ही लिख दिया कि x और y स्मॉल में क्या है, डेविएशन फ्रॉम x बार, डेविएशन फ्रॉम y बार. मतलब ये जो समीशन x y 360 दे रखा है, एक्चुअल में ये समीशन x माइनस x बार y माइनस y बार है, दैट इज इक्वल टू 360. ये चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, बताओ, कोई दिक्कत है तो नहीं. अब इस डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, ये भी है हमारे पास, n है, सिग्मा x है, सिग्मा y है, हमें यही फॉर्मूला नहीं याद आएगा जो हमने कोवेरियंस वाले से सीखा था ना, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें गिवन है. ये थर्ड फॉर्म की थी हमने कोवेरियंस की, यही फॉर्मूला हमें इससे माइंड में आ रहा है. इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 360, देखो पूरी वैल्यू 360 दे रखी है. उसके बाद n, n कितना है, देखो दोनों में सेम है, ये नहीं 30, जितने x होते हैं उतने ही y होते हैं, दोनों में n कितने हैं 30. ये रहा सिग्मा x कितना है 6, सिग्मा y कितना है 7. इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर इज 0.286. सुपर सुपर ईजी, क्लियर है चीज़. तो जो चीज़ें गिवन है उससे आराम से सोचो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, या इन चीज़ों के यूज़ से कैसे मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकती हूँ, वो फॉर्मूला सोचो, तो आपको ये चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, इसी के साथ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इंडिविजुअल सीरीज के चारों मेथड्स डिस्कस हो गए हैं. ये चीज़ क्लियर है, पक्का, चले आगे, चले फिर आगे चलते हैं. अब ये तो हमारे इंडिविजुअल सीरीज के डिस्कस हो गए, और क्या है हमारे पास इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा हमारे पास होते हैं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज, यही होते हैं ना हमारे पास. लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट कंटिन्यूस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, ग्रुप्ड सीरीज की बात करेंगे. बहुत ध्यान समझना, इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मेट डिस्कस हो गए, माइंड में आता है अब डिस्क्रीट के होंगे, कंटिन्यूस सीरीज की चीज़ें डिस्कस होंगी, नहीं, अब हम ग्रुप्ड सीरीज की चीज़ें डिस्कस करेंगे. इसमें इंटरवल्स होते हैं, इसमें फ्रिक्वेंसी होती है, तो जो हमारे कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन के क्वेश्चंस अब होंगे उसमें इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसी होगी, उसको बोलते हैं ग्रुप्ड सीरीज. तो दो तरह की सीरीज डिस्कस करी हमने कार्ल पियर्सन में, इंडिविजुअल जिसमें एक्स वाई है, फ्रिक्वेंसी नहीं है, दूसरी ग्रुप्ड सीरीज जिसमें इंटरवल्स एंड फ्रिक्वेंसी होगी. यही दो सीरीज हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ये चीज़ क्लियर होगी. आगे चलिए, ये फॉर्मूला कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है. आपको एज्यूम्ड वाला याद है, एज्यूम्ड मीन मेथड जो अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए किया था ना, सेम है, बस हर समीशन के अंदर एफ लगा हुआ है, क्योंकि ये ग्रुप्ड डाटा है,
ग्रुप्ड सीरीज है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। तो हर समीशन के अंदर देखो, हर समीशन के अंदर एक एक फ्रीक्वेंसी लगी हुई है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या था देखो, दोबारा लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ बोलो। एन लिखना था, ये दोनों साथ रहते थे, बिल्कुल रहते थे, फिर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, यस। फिर अंडर रूट आया, एन लिखते थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली विद वाई, फिर वाई यहाँ पे क्या था, समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला है ये ग्रुप डाटा का, तो हर समीशन में एक फ्रीक्वेंसी, ये समीशन था इसको एक फ्रीक्वेंसी दे दी, ये समीशन था फ्रीक्वेंसी, समीशन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये समीशन था इसके अंदर फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी डाल दो, सब में फ्रीक्वेंसी डाल दो। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी डालोगे ये ग्रुप्ड सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने बेसिकली ज़्यादा फॉर्मूला सुना लर्न करे, यही पैटर्न से कितने फॉर्मूला बन गए, एज्यूम्ड वाले से ही एक्चुअल डाटा वाला फॉर्मूला बन गया था, एज्यूम्ड वाले से ही ग्रुप्ड सीरीज वाला फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूलाज कहाँ डिफिकल्ट है, बस एक साथ देखने की ज़रूरत है कि सारे ईजी है। क्लियर है ये चीज़, पक्का। अब चले क्वेश्चन पे ग्रुप्ड सीरीज के। चलिए, ग्रुप्ड सीरीज के क्वेश्चन से ना बच्चों को बहुत डर लगता है, क्यों लगता है, उसका टेबल देख के कि ये टेबल कैसे करेंगे, ये पेपर में बनेगा कैसे। ये सारा बहुत इजी है, आप नोटबुक पेन पेंसिल छोड़ दो और स्क्रीन पे देखो बस, और कुछ नहीं, बस अब स्क्रीन पे देखो फटाफट से, अगले 4 से 5 मिनट में सुपर इजी लगेगा ये आपको, बस ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। x यहाँ पे लिखा हो ना, x ऐसे y, इसका मतलब है x ये है और y ये है, ऐसे लिखा हुआ ना, x स्लैश y, मतलब x इधर वाले, पहले x लिखा है तो x इधर वाले, ये x है और ये क्या है, y है, और ये जो सब लिखे हुए हैं वैल्यूज, ये इनकी फ्रिक्वेंसी है। तो इंटरवल्स दिख गए, फ्रिक्वेंसी दिख गई, इसका मतलब ये ग्रुप्ड सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये कार्ल पियर्सन्स के ग्रुप्ड सीरीज का क्वेश्चन, क्लियर है चीज़। तो हम SMF अप्रोच लगाते हैं ना, तो सबसे पहले यही तो देखते हैं सीरीज कौन सी है, ग्रुप्ड सीरीज है, क्योंकि इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। मैथड मैथड नहीं देखना पड़ता, ग्रुप्ड में एक ही फॉर्मूला किया है, इंडिविजुअल में थे 4 मैथड थे, देखते थे कौन सा लगाए, ग्रुप में एक ही फॉर्मूला एक ही मैथड, मैथड नहीं देखना पड़ता, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला हम देखेंगे। अब ध्यान से देखो क्या करना है, इससे ये टेबल कैसे बनता है वो चीज़ ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, x एंड y नोट करने, एक x यहाँ नोट करें, इसके कैसे कॉलम्स काउंट करने सब करना है बताऊँगी, पेपर में कैसे ड्रॉ करना, पूरा बनाना कैसे है सब बताऊँगी। पहले x नोट करो और इधर y नोट करो, ये हमारे सारे x के इंटरवल्स हैं और ये हमारे सारे y के इंटरवल हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं ध्यान से, फिर एक्स वाई नोट करने के बाद आपने इनकी मिड वैल्यूज़ नोट करनी है, क्या नोट करनी है, मिड वैल्यूज़। तो यहाँ पे मिड वैल्यूज़ इन्होंने नोट करी है, 10 + 25/2 दैट इज 35/2 17.5, यहाँ पे 25 + 40 65/2 32.50। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मिड वैल्यूज मिल जाएंगी, 0 + 20/2 10, ठीक है। तो एक्स वाई नोट किए, उनके मिड वैल्यूज। आगे आ जाइए, ये क्या है, ये है वाई माइनस ए और ये क्या है एक्स माइनस ए। मिड वैल्यूज निकालने के बाद डेविएशन, अगर आपको याद हो एक्स माइनस ए वाई माइनस ए निकालते थे, वही किया हुआ है यहाँ पे, ये हमारे एक्स है, ठीक है ना, यही तुम्हारी मिड वैल्यूज ही तो होती हैं ये, इसका सेंटर वैल्यू क्या है 30, एक ऊपर से छोड़ा एक नीचे से छोड़ा, ठीक है। अब 10 - 30 - 20, ए यहाँ पे हमने क्या लेना है 30 लेना है ना। जब इंटरवल्स होते हैं तो मिड वैल्यूज में से ए निकालते हैं, ये मिड वैल्यूज है, सेंटर वैल्यू 30, 10 - 30 - 20, 30 - 30 = 0, 50, ये 50 था ना यहाँ पे, 50 - 30 कितना आएगा 20। सिमिलरली यहाँ पे सेंटर वैल्यू कितनी है 32.50, तो ए क्या होगा 32.50, 17.5 - 32.50 -15, 32.50 - 32.50 47.5
माइनस दिस आंसर इज प्लस 50. पहले ये वैल्यू लिखते हैं फिर वो माइनस करते हैं ए वाली, वो हमारे आंसर्स होते हैं. तो जब भी आपको ग्रुप वाला काम करना हो, इधर आप एक्स नोट करोगे, इधर वाई, कॉलम्स कैसे काउंट करना है, पेपर में कैसे ड्रॉ करना है बताऊंगी, पहले समझ लो. यहाँ पे मिड वैल्यूज, फिर उसके बाद ये एक्स माइनस ए, ये वाई माइनस ए, उसके बाद डी एक्स डी वाई. क्या है डी एक्स डी वाई? अगर आपको याद हो ग्रुप सीरीज में डी एक्स डी वाई तो था ही ना, तो हम डी एक्स डी वाई कैसे करेंगे? यहाँ पे dx, यहाँ पे dy. ग्रुप सीरीज का जो फॉर्मूला किया उसमें dx dy किया था ना अभी, जो मैंने लिखवाया है, तो dx dy तो निकलेंगे. तो dx कैसे निकलता है? इसको इसके गैप से डिवाइड कर दो. 0-20 में कितना गैप है? 20 का. तो माइनस 20 डिवाइड बाई 20 माइनस 1. यहाँ पे 0 को 20 से डिवाइड करोगे 0, 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1. तो जो dx है हमारा, ये x माइनस ए है ना, dx क्या है हमारा? x माइनस ए बाई 20. 20 क्यों? क्योंकि इसका गैप है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, y माइनस ए डिवाइड बाई कितने का गैप है? 15 का. कितने का गैप है? 15 का. तो सबको 15 से डिवाइड करेंगे. माइनस 15 डिवाइड बाई 15 माइनस 1 0, प्लस 15 डिवाइड बाई 15 दैट विल बी 1. बताओ ये वाले क्लियर हो गए कि नहीं हुए, पहले ये बताओ. ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं? अब आगे देखिए इससे क्या करना है. अब ये हमारे पास बेसिक सा बन गया. ये अगर आप ध्यान से देखो, ये y के लिए बना है और ये x के लिए, जो डाटा हमें दिया था अब तक ऐसे. पेपर में कैसे बनाएंगे बताऊंगी. कई बार ना बच्चे ऐसे लगते हैं वहाँ मैं कॉलम कैसे काउंट करूँगा, ये बनना कैसे है बताऊँगी अभी. अब आगे देखो क्या करेंगे. यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसीज नोट की है, सेंटर वाली वैल्यू जो आपकी फ्रिक्वेंसी, देखो 10, 4, 6. तो यहाँ पर देखो 549, ये चीज़ का ध्यान रखना. 0-20 ये देखो मैंने यहाँ पे सेम रखा है. ये अगर ऊपर था तो ये मैंने ऊपर रखा है. अगर आपने जो वर्टिकल था वर्टिकल रखा, जो हॉरिजॉन्टल था वो ऊपर हॉरिजॉन्टल रखा है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम टेबल नोट करोगे. 10, 4, 6 यहाँ पे 549, आगे 3, 8, 15. तो ये 3, 8 और ये क्या है बीच में 15 है. क्लियर है चीज़? चलिए हमने सारी वैल्यू नोट करी. अब क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई करके आइए. किसको मल्टीप्लाई करके आइए? डी एक्स डी वाई को. माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये क्या बन गई? प्लस 1. यहाँ वाले के लिए देखो, ये डी एक्स यहाँ पे और डी वाई यहाँ पे, 0 इंटू माइनस 1 0 आ गया, प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 आ गया. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तीन वैल्यूज है ऊपर, यहाँ पे टोटल तीन वैल्यूज है. सेंटर वाली वैल्यूज तो फ्रिक्वेंसी हैं, लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यू है वो डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई करके. मान लो यहाँ पे इसके सामने डी एक्स माइनस 1, डी वाई 0, माइनस 1 इंटू 0 0. यहाँ पे डी एक्स 0, डी वाई 0 0. यहाँ पे प्लस 1 इंटू 0 0. यहाँ पे देखो माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1. यहाँ के सामने डी एक्स 0, यहाँ के सामने डी वाई प्लस 1, 0 इंटू प्लस 1 0. यहाँ के सामने डी एक्स प्लस 1, डी वाई प्लस 1, प्लस 1 इंटू प्लस 1 1. तो जो तीन वैल्यूज लिखी हैं, बीच वाली तो फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान समझो. जो बीच वाली है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी. ये क्या है? डी एक्स डी वाई. अब यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपने ये समझ लिया बस आगे तो कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान समझ लो. अब जो थर्ड वैल्यू वो क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनी है. 1 इंटू 10 10, 0 इंटू 5 0, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 40 0. सारी ऐसी बनी है, बहुत सिंपल है. अगर यहाँ तक समझ आ गया, आगे सुपर 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 ईजी है. अब यहाँ पे ये क्या है? x चल रहा था, तो यहाँ पे हमें f dx square f dx dy मिलेगा. हमें कैसे पता ये सब हमें निकालना है? जब हमने फॉर्मूला किया था वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने लिखी थी, अगर आपको याद हो. अभी हमने फॉर्मूला किया था ना, फॉर्मूला तो आप लिखोगे ही पहले अपने सामने, तभी काम करोगे. तो यही फॉर्मूला हमने किया था यहाँ पे, वही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे फटाफट से, ताकि आपको चीज़ें बता पाऊँ. एक मिनट रुक जाइए. हाँ जी, यहाँ पे अंडर रूट में y वाला, ठीक है,
तो x में क्या क्या चाहिए हमें, देखो हमें चाहिए एफ डी एक्स, इसलिए एफ डी एक्स निकाल रहे हैं। हमें चाहिए एफ डी एक्स स्क्वायर, इसलिए हम एफ डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं। हमें एफ डी एक्स डी वाई भी चाहिए, तो हम ये भी निकाल रहे हैं। जो x वाला चाहिए था सब लिख दिया, f तो लिखना ही है यहाँ पे। ये जो फ्रिक्वेंसी थी ये x या y की नहीं थी, ये कंबाइन थी, तो हमें फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी x के लिए। ठीक है, अब पहले फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं x की कैसे निकली। ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास निकली, ये वाली ध्यान से देखो, जितनी फ्रिक्वेंसी इनको ऐड कर दो, 10 + 4 + 6, ये बीच वाली फ्रिक्वेंसी थी ना, इनको ऐड किया 20, 5 + 40 + 9 कितना आया 54, यहाँ पे 8 + 3 = 11, 11 + 15 = 26। तो जो x वाली फ्रिक्वेंसीज है वो हमने ऐसे ऐड किए हैं, x का डाटा ऐसे है ना, ये फ्रिक्वेंसीज थी सारी हमारे पास, ये इनके इंटरवल्स की थी, x y की कुछ नहीं थी। देखो कंबाइन x यहाँ y यहाँ, एक फ्रिक्वेंसीज यहाँ दी हुई है, लेकिन अगर आपको x की फ्रिक्वेंसीज चाहिए तो ये सारी यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, अगला क्या चाहिए मुझे, अगला चाहिए एफ डी एक्स, ध्यान समझना मुझे क्या चाहिए एफ डी एक्स। ये रहा मेरे पास f, ये रहा मेरे पास dx, इनको मल्टीप्लाई कर दो, -1 × 20 - 20, 26 × + 1 = 26, 0 × something दैट विल बी 0, एफ डी एक्स क्लियर है। अगला है एफ डी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे ध्यान समझना, डी एक्स वाले का स्क्वायर करो, यहाँ पे डी एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर + 1 + 1 × 20 = 20, + 1 का स्क्वायर + 1 ही + 1 × यहाँ पे 26 = 26, तो डी एक्स का पहले स्क्वायर कर लो वो ये रहा, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करो, -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, दैट इज एफ डी एक्स डी वाई, क्या चाहिए एफ डी एक्स डी वाई। आपने जो यहाँ नीचे लिखा था ये एफ डी एक्स डी वाई तो है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है, ये डी एक्स डी वाई है ना, ये कैसे आया था डी एक्स डी वाई से, ये कैसे आया था फ्रिक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये बना था, तो इसी से बन जाएगा एफ डी एक्स। 10 - 6 आंसर कितना आया 4, यहाँ पे 0 + 0 + 0 आंसर इज 0, -3 + 15 दैट विल बी 12। तो जो सबसे नीचे लिखा है उन्हें ऐड करके आपके पास एफ डी एक्स डी वाई आ जाएगा। ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। देखो एक बार सोचने को लग सकता है मैम इतना कुछ पेपर में कैसे लिखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। अब जब एक बार समझ लिया ना मेरे से यहाँ पे, उसके बाद पेन पेंसिल नोटबुक उठाना और दोबारा मेरे साथ ये क्वेश्चन करना, दोबारा सुनते हुए फटाफट क्वेश्चन होगा, लेकिन पहले समझना है, साथ साथ नोट नहीं करना, पहले समझ लो फिर सेकेंड टाइम में खुद करना है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें, अब आगे चलते हैं। अब मैंने जैसे x के लिए किया y के लिए, थोड़ा सा पेशेंस और रखो, भागो नहीं कि मैम डिफिकल्ट लग रहा, नहीं पेशेंस रखो, इजी लगेगा, अभी सब समराइज भी बताऊंगी। अब f हमने बात की थी x की, वैसे ही किसकी बात करेंगे y की। पहले फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखो 10 + 5 + 3 बीच वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं सारी। अब y ऐसे है ना, तो अब ऐसे ऐड करें, 10 + 5 = 15, 15 + 3 = 18 हो गया, 4 + 40 यहाँ पे + 8 = 52, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेंटर वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आगे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ डी वाई, ये रहा f वाला और ये रहा डी वाई, मल्टीप्लाई -1 × 18 - 18 ऐसे बाकी हो जाएंगे। एफ डी वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर 1 × 18 = 18। एफ डी एक्स डी वाई वो हमेशा ये होता है जो नीचे लिखा होता है। अब ऐसे ऐड करना है, वाई है तो ऐसे ऐड करेंगे, एक्स था तो हमने कैसे ऐड किए थे नीचे वाले ऐसे, वाई है तो हम कैसे ऐड करेंगे नीचे वाले ऐसे, 10 - 3 = 7 ये सारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपने क्या करना है, इन सब के सबमिशंस निकालने, क्योंकि फॉर्मूला में चाहिए। तो आपने क्या किया यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम ही हमेशा क्या होता है, दैट इज एन होता है, फ्रीक्वेंसी का सम किया 100 आ रहा है, समीशन एफ डी एक्स, समीशन एफ डी एक्स यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे भी आपने सबके समीशन उसके सामने लिख दिए। कैसे पता चले ये टेबल ठीक है कि नहीं, अगर यहाँ का भी समीशन एफ डी एक्स डी वाई और यहाँ का भी समीशन एफ डी एक्स डी वाई सेम आ जाए, यहाँ पे भी 16 आ रहा है यहाँ पे भी, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है टेबल है वो ठीक बन गया है। ये बस ध्यान रखना, समीशन एफ डी एक्स डी वाई, समीशन कॉलम नहीं कह रही, कॉलम तो 4012 है, 709 है, ये नहीं कह रही कॉलम, नहीं मैं बोल रही हूँ कि उसका सम, समीशन एफ डी एक्स डी वाई कितना आ रहा है यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना आ रहा है 16, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं इट मीन्स आपका टेबल ठीक बन गया ग्रुप का।
आप मेरी बात ध्यान से समझो। अब टेबल तो समझ आ गया, पेपर में कैसे बनाएंगे। पेपर में जाते ही सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे y के इंटरवल्स लिखने, बहुत ध्यान से समझना। आपने क्या करना है, y के इंटरवल्स लिखने हैं। यहाँ पे लिखोगे y के इंटरवल्स, फिर यहाँ पे लिख देना मिड वैल्यू, उसकी मिड वैल्यू। पहले y से टेबल बनाना स्टार्ट करना है, फिर लिखोगे y माइनस a, उसके वाला कॉलम, फिर यहाँ पे dy, यहाँ पे रुक जाना है। ये देखो, ये आपने सबसे पहले जाके पेपर में चीज बनानी है। ये चीज क्लियर है, पक्का? अब ध्यान से, जहां पे आपने dy रोका है उसी के सामने आप लिखोगे x, दैट इज मिड वैल्यू, x माइनस a और dx। वैल्यू यहाँ आएंगी, देखो वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ आएंगी नीचे, लेकिन जहाँ dy रुका है उसी के ऊपर x, x यहाँ पे मिड वैल्यू, x माइनस a और dx लिख दे रहा। तो आपने सबसे पहले y बनाना है और जहाँ dy रुका है उसी के सामने यहाँ नीचे से आपने क्या बनाना है, x वाली वैल्यूज। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे y लिखा, y माइनस a लिखा, मिड वैल्यू लिखी, फिर y माइनस a लिखा, फिर यहाँ पे dy बनाया। ठीक है, अब यहाँ तक टेबल बन गया। अब शीट में आ जाओ, यहीं पे इसी लाइन में शीट में लिखो x मिड वैल्यू, यहाँ पे फिर x माइनस a dx, सेम लाइन में, और फिर उसकी वैल्यूज नीचे नोट कर देना। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। पहले ही आप स्पेस छोड़ के चलोगे ना थोड़ी साइड पे, ये सेंटर पे लिखना शुरू करोगे। आगे क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे कितने, ध्यान से देखना, इसको आगे आपने एक्सटेंड करना है। ये ऊपर कितने आ रहे हैं, जितनी वैल्यूज आ रही है ना, आगे इसको एक्सटेंड कर दो। देखो कैसे, ये ऊपर तीन थे और ये कितने हैं यहाँ पे, एक दो तीन, ऊपर से जितने हैं ये सारे आपने एक्सटेंड करके बीच में एक बॉक्स बन जाएगा आपके पास खुद से। कैसे, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आपने तीन लाइनें नीचे तक करनी है। कहाँ तक, जहाँ तक x की वैल्यू आ रही है। मेरी बात ध्यान समझो, x y वाला पोर्शन बन गया ना यहाँ तक। ठीक है, आपने ये y वाली लाइन यहाँ तक थी ना, आगे एक्सटेंड करनी है कहाँ तक, जहाँ तक x का पोर्शन है, तो वहाँ तक आपने एक्सटेंड करके ये बॉक्स सेंटर वाला रेडी कर लेना। इसको पार्ट्स में टूटा हुआ देखो, ये पार्ट्स में टूटा हुआ। ठीक है, पहले ये वाला पोर्शन तैयार करना है आपको, ये वाला, फिर इस लाइन को कहाँ तक ड्रॉ करना है, जहाँ तक x के इंटरवल लिखे हुए हैं, ये बीच वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखनी है, यहाँ पे dx dy लिखना है, और ये वाला इन दोनों के मल्टीप्लाई से बने। आगे आ जाओ, बस यहाँ तक तो बन गया, अब सिंपल है। अब यहीं पर आगे देखेंगे हम, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे x वाले को, f का कॉलम बनाएंगे ये रहा, फिर एफ डी एक्स का, एफ डी एक्स स्क्वायर का, एफ डी एक्स डी वाई का। सिमिलरली ऊपर y वाला चल रहा था, तो नीचे भी हम बनाएंगे f, एफ डी वाई, एफ डी वाई स्क्वायर, एफ डी एक्स डी वाई। एक बार लिखोगे आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये तीन पोर्शन तो याद होने चाहिए कि कैसे बनने हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन से बन रहे हैं। ये वाले हमें जो जो फॉर्मूला में चाहिए, ये x चल रहा है हमारा तो f, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स वाई। ये हमारा y चल रहा है तो ये हमारा f, एफ डी वाई, क्योंकि देखो f ये y वाले चल रहे हैं ना हमारे, तो f, एफ डी वाई, एफ डी वाई स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा। इन कॉलम्स को ऐड करोगे तो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी, इनको ऐड करोगे इनके समीशन मिल जाएंगे, और फिर हमें फॉर्मूला में डालना है। डिफिकल्ट नहीं है, एक बार हाथ से करके देखोगे चीज़ें माइंड में बैठेंगी। ठीक है, देखो फॉर्मूला में चीज़ें डाल देते हैं, हमारे पास जो जो हमें वैल्यूज चाहिए वो फॉर्मूला में हम डालते हैं। क्या क्या वैल्यू चाहिए, देखो हमें चाहिए n, n हमारे पास कितना है 100, डाल दिया समीशन एफ डी एक्स डी वाई, दैट इज वैल्यू 16 डाल दी। एफ डी एक्स कितना है, दैट इज 6, एफ डी वाई दैट इज कितना है हमारे पास, एफ डी वाई 12, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 12। ये ध्यान रखना है, इनके समीशंस यहाँ निकल रहे हैं, ये एफ एफ डी वाई, ये इनके समीशंस यहाँ निकालने हैं, जहाँ ये एंड हो रहे हैं उसके एंड पे निकालने हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज डालोगे, आंसर इज 0.33। एक बार हाथ से बना के देखोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाता है। एक बार लेकिन हाथ से बना के देखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन पे देखने से ही, खुद भी करना पड़ेगा। अच्छे से समझ आ गया है तो पॉज करके पहले खुद बनाने की कोशिश करो, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है मेरे को दोबारा सुनो, एक बार हाथ से निकल गया डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है दैट इज ग्रुप्ड सीरीज का भी काम खत्म हो गया। कार्ल पियर्सन के अंदर हमने कितने फॉर्मूला किए, टोटल 5 फॉर्मूला किए, 4 इंडिविजुअल सीरीज के, एक ग्रुप्ड सीरीज का। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है दैट इज प्रोबेबल एरर, ये भी निकालना आ जाता है। ये मतलब एक एक्स्ट्रा सा टॉपिक है, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर। सिंपल सा फॉर्मूला 0.6745 हर क्वेश्चन में लगेगा,
वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। अगर आपको कई बार क्या होता है कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आ रहा है साथ में रहता है ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबल एरर, तो आपने वहां पर ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है 0.6745 इनटू दिस आर। यहाँ पे क्या है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, तो आर की जगह आर की वैल्यू, एन की जगह एन, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे आपको प्रोबेबल एरर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट होता है इसका भी फॉर्मूला है, दैट इज वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। क्या है वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, ये स्टैंडर्ड एरर का हमारे पास फॉर्मूला है। एक नोट है ये बाद में पढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है आप करोगे। ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबल एरर निकालो और पॉइंट आउट वेदर द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। पूछा तो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, उसके बाद प्रोबेबल एरर निकालना है वो भी पूछा है, और ये भी पूछा है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, कि जो हम कोरिलेशन निकाला है क्या ये एक्चुअल में ऐसा रिलेशन है जो किसी काम का है या फिर सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कई बार सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, साथ में एक दो चीज़ें छोटी छोटी एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं, तो ये भी हमें आनी चाहिए अगर हमें पूरे मार्क्स लेने हैं। तो कार्ल पियर्सन आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद प्रोबेबल बता देती हूँ, प्रोबेबल का फॉर्मूला जो मैंने करवाया वही करना है। प्रोबेबल एरर इज दिस, ठीक है यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास, बिल्कुल ये फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे आर कितना आया था -0.94, ये आया एन का आर, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, एन 6 है, 6 डाला, कैलकुलेट किया, आंसर ये आ गया। सो प्रोबेबल एरर ऐसे निकलता है। अब ये कैसे चेक करते हैं कि कोई भी रिलेशन सिग्निफिकेंट है भी कि नहीं, उसके लिए हम निकालते हैं मॉडुलस आर बाय दैट इज प्रोबेबल एरर। अगर हमें किसी की भी सिग्निफिकेंस चेक करनी है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो मॉडुलस आर बाय प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करते हैं, ये याद रखना। सिग्निफिकेंस के लिए क्या करते हैं ये मैंने फॉर्मूला पहले नहीं बताया, यही बता रही हूँ, मॉडुलस आर बाय प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करते हैं। मॉडुलस आर कितना है, दैट इज हमारे पास 0.94 नेगेटिव था, है ना, लेकिन ये मोड है, मोड क्या करता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस 0.94 हो गया। प्रोबेबल एरर अभी कैलकुलेट किया, ये आपने इसका आंसर कितना निकाला 29.32। अगर हमारे पास मोड आर बाय प्रोबेबल एरर 6 से बड़ा आता है तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट, अगर ये 6 से कम आता है तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट नहीं। अगर मोड आर बाय प्रोबेबल एरर 6 से बड़ा आ जाए तो हमारा कोरिलेशन सिग्निफिकेंट होता है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 29.32, तो बहुत ज़्यादा है, तो ये सिर्फ सिग्निफिकेंट नहीं है, ये हाईली सिग्निफिकेंट है। हमने कहा था 6 से बड़ा आ जाए तो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, ये 6 से बहुत बड़ा है, 29.32 ऑलमोस्ट 30 है, तो इट मीन्स ये क्या है हाईली सिग्निफिकेंट है। ये चीज़ क्लियर है, पक्का पता लग गया कैसे चेक करते हैं सिग्निफिकेंस, मॉडुलस आर बाय प्रोबेबल एरर। यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई है, जो मैं कह रही थी नोट करवाती हूँ, यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास मॉडुलस आर ग्रेटर देन 6 प्रोबेबल एरर, मतलब इसका मतलब यही है ना, प्रोबेबल एरर मल्टीप्लाई डिवाइड भी आ जाएगा, इसका मतलब यही है कि अगर 6 से बड़ा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन अगर मॉडुलस आर बाय प्रोबेबल एरर लेस देन 6 है तो वो क्या होगा इनसिग्निफिकेंट होगा। ये चीज़ क्लियर है, ये प्रोबेबल एरर यहाँ लिखा है ना, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, हम क्वेश्चन में मॉडुलस आर बाय प्रोबेबल एरर ही कैलकुलेट करते हैं। अगर 6 से बड़ा आया तो दैट इज सिग्निफिकेंट, अगर लेस देन 6 आया तो इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ये और ये सेम चीज़ है, प्रोबेबल एरर बस उधर मल्टीप्लाई करके लिखने का तरीका है, बात सेम ही है, क्वेश्चन में हम यही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पहला टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, यही लेंथी टॉपिक है, आगे सब छोटे छोटे से टॉपिक है। तो इस चैप्टर के 3 टॉपिक है मैंने बताए थे, कार्ल पियर्सन, अब रैंक करेंगे और कॉन्करेंट डेविएशन, तो एक कार्ल पियर्सन कंप्लीट हो गया। 2 मिनट ब्रेक लो फटाफट से, जितने फॉर्मुलस के रिवाइज करो, फिर स्टार्ट करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड जल्दी से। अब नेक्स्ट देखिए, दैट इज रैंक कोरिलेशन मेथड। इसमें टोटल 2 ही फॉर्मुलाज हैं, कितने फॉर्मुलाज हैं 2, सुपर सुपर इजी एंड इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, बहुत इजी से कैलकुलेशन होती है,
दो ही फॉर्मूला करने हैं। पहले देखो इसमें होता क्या है, रैंक की बात होती है। अब रैंक क्या होता है, देखो नाम में लिखा है ना, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, रैंक की बात होती है, ठीक है। रैंक होता क्या है, रैंक वही जो हम छोटी क्लासेस में देखते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो फर्स्ट, जिसके उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, सबसे ज़्यादा ऐसे हम करते थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको रैंक देते थे। ये वही वाला रैंक है, कुछ भी नया नहीं है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन तो आते हैं, क्वेश्चन आते कैसे रैंक कोरिलेशन मैथड के, तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। कितने तरह के, तीन तरह के। पहला तो कहता है कि रैंक्स ले लो यार, क्वेश्चन में ही रैंक दे देगा, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है। पहला तो क्वेश्चन टाइप इसका ये है। दूसरा कहता है रैंक मैं नहीं दूंगा, रैंक भी तुम निकालो। ये कहते हैं नहीं नहीं, पहले तो देखो पहला टाइप क्या था, रैंक दे रहा था, फॉर्मूला लगाना है बस, दैट्स इट। दूसरा कहता है रैंक मैं नहीं दूंगा, रैंक तुम ही निकालो, सेकंड टाइप ये है। थर्ड टाइप क्या कहता है, रैंक तो चलो दे ही नहीं रहा, अब क्वेश्चन भी कैसा दे दिया, मान लो एक बच्चे के 86 है, दूसरे बच्चे के भी 86 है, थर्ड बच्चे के भी 86 है, तो किसको कौन सा रैंक दूं। अगर सेम सेम मार्क्स वाले बच्चे मिल जाए तो किसको कौन सा रैंक देना चाहिए। एक और एग्जांपल से देखो, क्लास में तीन बच्चों के सेम मार्क्स है तो किसको कौन सा रैंक दूं, किसको ऊपर वाला रैंक दूं, किसको नीचे वाला रैंक दूं, कन्फ्यूजन है ना। तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें सेम सेम मार्क्स वाले या सेम सेम नंबर वाले होते हैं और हमें देखना होता है किसको कैसे रैंक दें। तो तीन तरह के क्वेश्चन हमारे पास रैंक वाले मेथड में आते हैं। पहले में रैंक देता है, हमारे पे बहुत मेहरबान है। दूसरे में रैंक हमें खुद निकालना है। तीसरे में हमारे लिए और कॉम्प्लिकेशंस इकट्ठी करता है कि रैंक देना इजी नहीं होता, सेम सेम नंबर वाले बच्चे दे देता है, बताओ किसको क्या रैंक दोगे, ऐसे हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैंने तो कहा था कि आपके पास टोटल कितने फॉर्मूला है, इसमें दो ही फॉर्मूला बोला था ना, रैंक कोरिलेशन में कितने हैं, दो ही फॉर्मूला है, बिल्कुल दो ही फॉर्मूला है। चाहे रैंक हम निकाल रहे हों, चाहे रैंक उसने दिया हो, ध्यान समझना, व्हेन रैंक्स आर गिवन, मान लो क्वेश्चन में रैंक दी है तो फॉर्मूला ये रहता है, R इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। ये तब जब रैंक उसने दिए, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, उसने रैंक नहीं दिए और बहुत सिंपल सी लाइफ चल रही है, कोई रिपीट वाला चीज नहीं है कि हमें दो तीन बच्चों के सेम मार्क्स हैं, रिपीट वाला कुछ नहीं है, कोई रेपिटेशन नहीं है, नोट रेपिट, कोई भी रेपिटेशन नहीं है, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। समझ आई, ये फॉर्मूला जब उसने रैंक खुद दे दिया। सेकंड, ये फॉर्मूला जब रैंक तो दिया नहीं बट कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, रिपीटेशन है ही नहीं कहीं पर, बिल्कुल सेम सेम सिंपल सी चीज़ें मिल रही हैं, 1, 2, 3, 4 किसी भी बच्चों के सेम मार्क्स नहीं है, रैंक देने आसान है, तो फॉर्मूला हमारे ये सेम रहते हैं। थर्ड जो हमारा है, दैट इज़, ध्यान से समझना, थर्ड हमारे पास है कि जब रैंक हमारे पास रेपिटेशन वाले आए। क्या है हमारे पास, रेपिटेशन मतलब हमारे पास बच्चों के मार्क्स सेम सेम है, किसको कौन सा रैंक दे, फिर फॉर्मूला ये रहता है, 1 - 6 तो सेम रहेगा, समीशन डी स्क्वायर अंदर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, यहाँ पे 1/12 एम क्यूब माइनस एम, एम वन करो यहाँ पे, एम टू करो, m1 m2 अप टू सो ऑन, नीचे एन क्यूब माइनस एन ही रहेगा। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बच्चों के मार्क्स सेम आने लगते हैं, रैंक देना मुश्किल होता है, तो फॉर्मूला ये लगेगा। यहाँ पे एम क्यूब माइनस एम मतलब इसको मैं क्वेश्चन में करना सिखाऊंगी, तो 1 सेम है, एन क्यूब माइनस एन सेम है ऊपर वाले फॉर्मूला का, 6 सेम है, लेकिन सभी से डी स्क्वायर के साथ 1/12 m1 क्यूब माइनस m, m2 क्यूब माइनस m, ये प्लस m2 सोन इसलिए छोड़ा है कि m1 m2 m3 m4 कितने हैं वो हमें क्वेश्चन में जाके ही पता लग रहा होगा। तो यहाँ पे m1 क्यूब माइनस m, m2 क्यूब माइनस m, यहाँ पे हमने चीज़ें छोड़ दी। क्लियर है, अब और क्लियरेंस इस टॉपिक पे क्वेश्चन से मिल रही होगी, तो जो डाउट्स है ना क्वेश्चन से क्लियर हो रहे होंगे, सो डोंट वरी, क्वेश्चन से चीज़ें समझ आएंगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन टू जजेस अकॉर्डेड द फॉलोइंग रैंक टू 8 पार्टिसिपेंट्स। 8 पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पे रैंक दिए गए, 2 जजेस थे हमारे पास, उन्होंने रैंक दिए, पहले ने 8, 7, 6, 3, 2, उन्होंने बोला है यहाँ पे अकॉर्डेड द फॉलोइंग रैंक्स, मतलब ये रैंक्स ही है, तो जज एक्स के ये रैंक लिखे और जज वाई के ये रैंक लिखे,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिए, रैंक्स लिख लिए। अब हमें रैंक दिए गए हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आर इज इक्वल्स टू 1-6 समीशन डी स्केयर एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, समीशन डी स्केयर मतलब मुझे डी स्केयर निकालना है, डी स्केयर बाद में निकालूंगी, पहले डी तो निकाल लूँ। तो ये आर वन आर टू पहले वाले का रैंक, दूसरे वाले का रैंक। डी कैसे निकलते हैं, आर वन माइनस आर टू से, तो मैं आर वन माइनस आर टू करूँगी, 8-7, 7-5 ये आ गए। मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए, समीशन डी स्क्वायर, तो ये रहा डी स्क्वायर, पहले डी स्क्वायर का कॉलम तो बना लूँ। समीशन डी स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज 32, सारे डी स्क्वायर्स को ऐड कर दो, फॉर्मूला में डाल दो वैल्यूज, 1-6 समीशन डी स्क्वायर इज 32, एन क्यूब माइनस एन कितने है, ये 8 है, तो 8³ - 8 सारा आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 0.619। क्वेश्चन खत्म, क्लियर है चीज। तो हमारे पास रैंक गिवन थे, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, डी हमेशा आर वन माइनस आर टू होता है, डी स्क्वायर निकाला, समीशन करा, सारे इजीली कैलकुलेशन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि जब हमें क्या दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखे, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस। उस क्वेश्चन में तो पहले ही गिवन था कि रैंक दिया हुआ है ना, तो पता लग गया था रैंक वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस, उस क्वेश्चन में लिखा था ना कि जजेस ने रैंक अलॉट किए हैं, तो हमें पता लग गया रैंक वाला क्वेश्चन है। यहाँ डायरेक्टली लिखा है बाय द मेथड ऑफ रैंक, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट पता लग रहा है, एक्स एंड वाई दिए हुए हैं, ये कहीं नहीं लिखा ये रैंक्स है। ध्यान से देखो, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन ऑफ कोफिशियंट निकाल, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस, कहीं नहीं लिखा ये रैंक है, ये एक्स वाई की वैल्यूज है, ये रे एक्स ये रे वाई। ठीक है, मैं पहले एक्स को रैंक दूंगी, था ना सेकेंड केस वेयर रैंक्स आर नॉट गिवन, ये वही केस है कि रैंक गिवन नहीं है। ठीक है, रैंक गिवन नहीं है, आप रैंक खुद देंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 18 है, तो इसको फर्स्ट रैंक दो, 18 के बाद उससे 17 सेकेंड रैंक दो, उससे छोटा 16 थर्ड रैंक, फिर 16 से छोटा देखो मुझे 15 फोर्थ, 15 से 14 फिफ्थ, 13 ये रहा, फिर 12th, फिर 11th, फिर 10th, फिर 9th, सबको रैंक दे दिया। सिमिलरली आप वाई में भी सबको रैंक दोगे, इसका नाम क्या दिया रैंक वन, इसका नाम क्या दिया रैंक टू। यहाँ पे किसी को भी, किसी का भी नंबर रिपीट नहीं हुए, अगर एक बार किसी के 18 मार्क्स आ गए, किसी और के 18 मार्क्स नहीं है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे किसी भी दो बच्चों के नंबर सेम नहीं है, रैंक देने में प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, आगे वो क्वेश्चन आएगा जहाँ सेम नंबर होंगे, रैंक कैसे देने वहाँ समझाऊंगी। यहाँ क्लियर हो गया, एक बार R1 R2 मिल जाए फिर क्या निकालना है, D, D क्या होता है R1 माइनस R2, सो 4-1 3। मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, दैट इज D स्क्वायर, तो मैं क्या लूंगी D स्क्वायर निकालूंगी, D स्क्वायर निकाला, फॉर्मूला में पुट किया, सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे। बहुत सिंपल है अगर ध्यान से क्वेश्चंस करो, आपको पता है। देखो हमने क्या कहा था कि रैंक में दो ही फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला तो यही वाला है ना सेम, जब चाहे रैंक गिवन हो चाहे रैंक गिवन ना हो तो भी यही फॉर्मूला होता है। अगर नंबर रिपीट कर रहे हो रैंक देने में गिवन हो, फिर वो एम वाला फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो यही फॉर्मूला यूज होता है, 1-6 सबिशियर डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। डी स्क्वायर 86 है, एन हमारा 10 है, विल कैलकुलेट आंसर विल बी 0.48। क्लियर है चीज, चलिए आगे, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बाय मीन्स ऑफ रैंकिंग मैथड। इस पे भी डायरेक्टली लिखा हुआ है कि रैंक मैथड यूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कहीं नहीं लिखा हुआ ये रैंक्स है, उन्होंने कहा रैंकिंग मेथड यूज करो, रैंक नहीं लिखा कि कहीं ये रैंक गिवन है, नहीं ये एक्स वाई गिवन है, तो हम पहले एक्स नोट करेंगे उसके रैंक निकालेंगे, वाई नोट करेंगे उसके रैंक निकालेंगे। ठीक है, एक्स के रैंक निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर मुझे मिला 80 फर्स्ट, 80 से छोटा 70,
सेकेंड 70 से छोटा देखो 60 तीन 60 है यहाँ पे, किसको थर्ड रैंक दूँ? समझ आया? सबसे बड़े को फर्स्ट, उससे छोटे को सेकेंड, 60 को थर्ड रैंक मिलना था लेकिन तीन 60 है, किसको दूँ? देखो तीन 60 है मेरे पास, ठीक है, रैंक क्या मिला था? थर्ड, तो एक को थर्ड मिलेगा, एक को फोर्थ, एक को फिफ्थ, है ना, ऐसे ही होगा ना। अगर आपके पास तीन 60 है, अब थर्ड रैंक मिलना था, तीन में आगे बच्चे हैं, किसी को थर्ड, किसी को फोर्थ, किसी को फिफ्थ देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा ना दे सकते सेम सेम वाले को, एक को थर्ड, एक को फोर्थ, एक को फिफ्थ, दे इनकी लड़ाई खत्म करते हैं। हम थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर किसी के नंबर रिपीट हो रहे हैं, मान लो थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंक आ रहा है, तो हम उनको इक्वल रैंक बांटते हैं। जितने भी नंबर रैंक के लिए वो लड़ रहे हैं वो तीनों को ऐड करो, दोनों को जितने भी हैं, यहाँ पे तीन थे तो मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ को ऐड किया, और डिवाइड कर दो जितने नंबर हैं, 1 2 3 3 से डिवाइड किया, 4 और 3 7, 7 और 5 कितने हुए? 12 12 बाई 3, आंसर कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे सबका, जिनके आगे 60 है सबका रैंक 4 है, सबका रैंक क्या होगा? 4 होगा। ये चीज़ क्लियर है? हमारे पास सेकेंड तक रैंक क्लियर थे, हमने थर्ड रैंक देना था, लेकिन थर्ड रैंक के लिए तीन पार्टिसिपेंट थे तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ देना पड़ता, तो हमने तीनों को इक्वल बांटा, 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। तो हमारे यहाँ फिफ्थ रैंक तक, तो हमारे यहाँ फिफ्थ रैंक तक चीज़ें सॉर्टेड है। अब अगला जो शुरू होगा वो सिक्स्थ रैंक के लिए लड़ाई शुरू होगी, फिफ्थ रैंक तक हम इक्वल करके चीज़ें बांट चुके हैं, ठीक है। अब 60 से छोटा देखो कौन है, 60 से छोटा है 50, 50 भी कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है, 50 भी कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है। ये सिक्स और सेवन्थ रैंक के लिए लड़ रहे हैं, फिफ्थ रैंक तक तो क्लियर हो गया था, अब सिक्स्थ रैंक के लिए ढूंढना था, वो भी रिपीट होने लग गए, किसको सिक्स दूँ किसको सेवन दूँ, ये सिक्स सेवन्थ के लिए लड़ रहे हैं। तो 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, दैट विल भी कितना हो जाएगा? 13 बाई 2, दैट विल बी 6.5। तो इसका रैंक, ये वाले 50 का रैंक, ये वाले 50 का रैंक 6.5 होगा। 50 से छोटा 40, 6, 7 तक तो हमारी बात खत्म हो चुकी है, तो 40 को कौन सा रैंक मिलेगा? 8th। ऐसे यहाँ पर रैंक डिसाइड होते हैं। अगर सेम रैंक, मतलब सेम नंबर आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, और आपकी लड़ाई है थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंक के लिए, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, तीनों को इक्वल बांट दो, उससे अगले नंबर को 6 से रैंक देना शुरू करो, ऐसे करके काम होता है। वाई में भी रैंक देते हैं और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। वाई में सबसे बड़ा नंबर जो मुझे दिख रहा है 210, फर्स्ट रैंक। 210 से छोटा मुझे 200 मिल रहा है, सेकेंड रैंक। 200 से छोटा यहाँ पे मिल रहा है 170, हाँ जी 170, थर्ड रैंक। 170 से छोटा 160, फोर्थ रैंक। 160 से छोटा देखो यहाँ पे है 130, 130 यहाँ पे दो बार दिख रहा है, फोर्थ रैंक तक क्लियर है, 130 दो बार है, एक को फिफ्थ एक को सिक्स के लिए लड़ना है, तो 5 प्लस 6 बाई 2, दैट विल बी 11 बाई 2, दैट विल बी 5.5। तो दोनों जो हमारे पास है यहाँ पे 130 130, उनको 5.5 मिल रहा होगा। हमारे पास सिक्स्थ रैंक तक क्लियर है, अब सेवन्थ की बारी है। 130 से छोटा कौन है? 130 से छोटा है 120, सेवन्थ मिल जाएगा। 120 से छोटा 80, उसको एट्थ मिल जाएगा। तो अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है जिस रैंक के लिए, मान लो दो बार रिपीट हो रहा है, 130 फिफ्थ रैंक के लिए रिपीट हो रहा था, तो किसी को फिफ्थ किसी को सिक्स्थ मिलेगा, दोनों को इक्वल इक्वल बांट दिया, अगले वाले की कहानी सेवन्थ से शुरू की। क्लियर है? एक बार R1 R2 तैयार हो गए तो हमारे पास D निकलेगा, R1 माइनस R2। फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए अब वो देखो, फॉर्मूला में हमें ध्यान से देखना, फॉर्मूला में डी स्केयर तो चाहिए होता है, समीशन डी स्केयर, तो हमने समीशन डी स्केयर निकाल लिया। अब फॉर्मूला में चीज़ें अप्लाई कैसी होंगी ना वो बहुत ध्यान से देखना, ये रहा हमारा फॉर्मूला है ना। अब कैसे पता लगा कितने,
यहाँ पे आप ये देखो, ध्यान से समझो, फॉर्मूला में m थे, m1, m2, m3, मैंने प्लस अप टू सोल लिखवाया था कि मुझे नहीं पता कितने m है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने m1, m2, m3 यूज करने हैं? हम ये देखेंगे पूरे क्वेश्चन में कितने नंबर रिपीट हुए हैं, पूरे क्वेश्चन में कितने नंबर रिपीट हुए। ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास रिपीट हुआ था, दैट इज 60 सबसे पहले रिपीट हुआ था, जो थ्री टाइम्स हुआ था। देखो ध्यान से, 60 कितने बार रिपीट हुआ? थ्री टाइम्स। उसके बाद 50 रिपीट हुआ था कितनी बार? टू टाइम्स। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा 130 रिपीट हुआ था कितनी बार? टू टाइम्स। तो जब आपके रिपीट होते हैं वो आपको नोट करने हैं, 60 तीन बार, 50 टू बार, 130 टू बार, ये कितने हैं? तीन है। तो हम क्वेश्चन में m1, m2, m3 लेंगे, जो x और y में वैल्यूज रिपीट होती है, जिसके आगे हम रैंक बांटते हैं, जैसे 60 तीन बार, 50 दो बार, 130 दो बार। तो आप देखो कितनी कितनी रेपिटेशन हुई है, तीन रेपिटेशन हुई है। तो हम m1, m2, m3 तीन तक यहाँ पर लेंगे फॉर्मूला में। तो इसीलिए इस फॉर्मूला में क्या लिया हुआ है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला में क्या लिया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला में m1, m2, m3 तक ही लिया गया है, ठीक है। m1 क्या होता है कि कितनी बार रिपीट हुआ? तीन बार, तो m1 हमने थ्री ले लिया। m2 क्या है, कितनी बार रिपीट हुआ? टू बार। m3 क्या है, कितनी बार रिपीट हुआ? टू बार। तो हम m1 थ्री, m2 टू, m3 टू लेंगे। ये नहीं देखना कि कौन सा रिपीट हो रहा है, 60 रिपीट हो रहा है, 130 रिपीट हो रहा है, वो नहीं देखना। कितने रिपीट हो रहे हैं? तीन रिपीट हो रहे हैं। तो m1, m2, m3 लेंगे। m1 इज 60 तीन बार रिपीट हुआ था, तो m1 इज 3, m2 इज 2, m3 इज 2, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे याद रखना है, देखो हमें पता है 1 माइनस 6 तो आना ही है, समीशन डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो जाती है, नीचे तो फिक्स है, एन क्यूब माइनस एन आना ही है। यहाँ पे आपको देख रहा है प्लस वन बाई ट्वेल्व हर एक के साथ आ रहा है, नीचे एन क्यूब माइनस एन था ना, यहाँ पे एम वन क्यूब माइनस एम वन, फिर यहाँ पे प्लस वन बाई ट्वेल्व एम टू क्यूब माइनस एम टू, सेम नीचे वाला जो एन के साथ बिहेवियर था वो एम के साथ हो जाएगा, प्लस वन बाई ट्वेल्व, यहीं पे आगे लिख, जो आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे लिख दिया मैंने, एम थ्री क्यूब माइनस एम थ्री। ये फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज डाल दो बस फॉर्मूला में, फॉर्मूला में सारी वैल्यूज डालेंगे हो जाएगा जल्दी से। देखो सारी फॉर्मूलाज में वैल्यू डालते हैं, देखो सारी वैल्यूज डालते हैं फॉर्मूला में। यहाँ पे 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर 45 आया था, 1 बाई 12, एम वन थ्री था 3 डाला है, एम टू टू था 2 डाला है, एम थ्री टू था 2 डाला है, नीचे एन क्यूब, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, एन क्यूब माइनस एन, तो आप डालोगे 8 क्यूब माइनस 8। आप ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, वो 8 कॉमन लिया हुआ है, कोई दिक्कत है, आप 8 क्यूब माइनस 8 लिखो, ये आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.429। ये याद रखना, ये 1 माइनस ये 6 हमेशा डी स्क्वायर, ये एन क्यूब माइनस एन, ये सिर्फ इसके नीचे होता है, ये वन माइनस अलग होता है। तो जब आप पूरा सॉल्व करते हो फिर वन में से ये माइनस होता है, ये पूरे के नीचे नहीं आता है एन क्यूब माइनस एन। एन क्यूब माइनस एन सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से, एन क्यूब माइनस एन सिर्फ इसके नीचे होता है, वन माइनस अलग से होता है, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं फॉर्मूला में। क्लियर है चीज़? तो बताओ रैंक कोरिलेशन क्लियर है? ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था, सॉरी, रैंक कोरिलेशन का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। अब हम करते हैं कॉन्करेंट डेविएशन मेथड स्टार्ट। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, रैंक के अंदर दो ही हमारे पास फॉर्मूलाज है, एक तो ये सिंपल वाला, ठीक है। अगर रैंक हमें चाहे गिवन हो चाहे खुद निकाल रही हूँ, कोई रेपिटेशन अगर नहीं हो रही ना तो सेम फॉर्मूला रहता है। देखो सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, डी आर वन माइनस आर टू। लेकिन अगर रैंक की हमारे पास ऐसे नंबर हमारे पास रिपीट हो रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा रैंक किसको कौन सा दें, फिर हम बांट के रैंक देते हैं, उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ये एम वन एम टू। हम क्वेश्चन देख के पता लगता है कितने रिपीट हो रहे हैं, कितने एम वन एम टू लेने हैं, क्लियर है। वहाँ पे तीन नंबर के रैंक हमें बांटने पड़े, तो m1, m2, m3 लिया। कितने कितने थे, पहला तीन बार रिपीट हो रहा था तो m1, 3, दूसरा दो बार रिपीट हो रहा था m2, 2, तीसरा भी दो बार रिपीट हो रहा था m3, 2, उसके अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं दैट इज कॉन्करेंट डेविएशन मेथड पे फटाफट से, वो भी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत सिंपल इम्पॉर्टेंट। ब्रेक लेके फटाफट से ही वाला एक मिनट दो मिनट लगाओ, ज़्यादा नहीं,
फॉर्मुला रिवाइज करो, मतलब लिख के देख लो रैंक वाले के, फिर हम कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड करते हैं जल्दी से। नाउ कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड, इसका एक ही फॉर्मूला है, दैट इज आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बाहर लगेगा, फिर रूट के अंदर भी प्लस माइनस लगेगा, 2c माइनस एन अपॉन दैट इज एन। ये स्मॉल एन है, कैपिटल नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखना, बताऊंगी क्या डिफरेंस है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये स्मॉल एन होते हैं। तो बहुत सिंपल से यहाँ पे आर सी इसलिए लिखते हैं क्योंकि कॉन्क्रीट डेविएशन से मैं कोफिशिएंट निकाल रही हूँ आर ऑफ सी, प्लस माइनस बाहर भी रूट के अंदर भी, 2c माइनस एन अपॉन एन। अब सी क्या है, एन क्या है, क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें समझा रही होगी। तो कॉन्क्रीट डेविएशन मैथड के अंदर एक ही हमारे पास फॉर्मूला है। एक और चीज़ कॉन्क्रीट डेविएशन के अंदर जो हमें काम आती है, ये साइन का जो गेम है ना, ये आपको समझ आना चाहिए कि अगर दो प्लस के साइन है तो आंसर प्लस आएगा, ये बात हमें पता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब हमें बचपन से पता है, प्लस माइनस माइनस भी पता है, ये भी हमें पता है, राइट। हमें यहाँ पे जीरो वाले नहीं देखे कि अगर जीरो का जीरो के साथ हो तो प्लस होगा, ये जीरो है क्या मैम, ये प्लस माइनस है क्या, अभी डेविएशन समझाऊंगी। एक बार साइन का देख लो कैसे, कि अगर दो जीरो आपको डेविएशन में मिल गई तो उसका आंसर प्लस होता है, लेकिन अगर जीरो किसी और साइन के साथ होती है हमेशा नेगेटिव देती है। जीरो का नेगेटिव के साथ करो नेगेटिव, जीरो का नेगेटिव नेगेटिव, जीरो का पॉजिटिव नेगेटिव, वो सिर्फ जीरो के साथ ही पॉजिटिव देती है, बाकी आप किसी के साथ भी जीरो का कर लो वो आपको हमेशा नेगेटिव ही देगी। प्लस माइनस माइनस प्लस ये हमें पहले से ही आता है, जीरो का से है डेविएशन, ये क्या मैम बता रहे हो, अभी क्वेश्चन में समझाओगी, लेकिन ये फॉर्मूला और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पहले वाला ही है और जीरो कभी किसी के साथ पॉजिटिव नहीं देता, बस अपने साथ पॉजिटिव देगा, जीरो को जीरो के साथ मिलवाओ ना बस तभी पॉजिटिव देता है, अदरवाइज नहीं देता। अब और नहीं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे पहले आपको लगे मैम आप क्या चीज़ें बता रहे हो, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये बाद में बताती हूँ। हाँ जी देखो, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ठीक है बाय कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड यूज करो और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। ये हमें एक्स दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, बहुत ईजी, बहुत बहुत मतलब आपको कहे मैम इतना सिंपल भी हो सकता है क्वेश्चन सच में। हमने क्या करना है, पहले एक्स नोट करना है ठीक है, आपने डेविएशन साइंस नोट करने हैं, जो मैं प्लस माइनस प्लस ये सब चीज़ें बता रही थी, क्यों बता रही थी अब समझ आएगा। डेविएशन साइंस हम dx नोट करेंगे कैसे, ध्यान से हमने ये देखना है, पहले वाले में कुछ नहीं लिखते, पहले x नोट किया उसके डेविएशन साइंस नोट करेंगे, पहले वाले के सामने कुछ नहीं लिखना। अब आगे देखो, इसको देखो इससे बड़ा है कि छोटा है, 125 112 से क्या है, बड़ा है तो प्लस, 126 125 से बड़ा है तो प्लस, 118 126 से छोटा है तो माइनस, 118 118 ना छोटा है ना ये बड़ा है, ये तो सेम है तो ज़ीरो, कोई डेविएशन नहीं है, ना बड़ा है ना छोटा है, सेम हो तो ज़ीरो। फिर इसको चेक करो, 121 ऊपर वाले से बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है तो पॉजिटिव, 125 अपने ऊपर वाले से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है तो यहाँ पे प्लस, 125 125 सेम है तो ज़ीरो, 131 125 से बड़ा है तो प्लस, 135 121 से 131 से बड़ा है तो प्लस। हम हमेशा नीचे वाले को देखते हैं कि वो ऊपर वाले से बड़ा है या छोटा है या सेम है, बड़ा है तो प्लस, छोटा है तो माइनस, सेम है तो उसके आगे ज़ीरो आता है, डेविएशन साइंस। सिमिलरली विद द वाई, वाई का पहला से इसको किससे कंपेयर करूँ, कुछ किसी से कंपेयर नहीं कर सकती, तो इसके आगे ऐसे मार्क लगता है हमेशा ठीक है। अब इसको देखो, 102 106 से क्या है छोटा, इसके आगे नेगेटिव, हमेशा फर्स्ट वाला जो डेविएशन साइन होता है वो हमें खाली छोड़ना होता है, क्योंकि हमेशा हम ये चेक करते हैं ना वो अपने ऊपर वाले से क्या है, इसका मैं कहाँ चेक करूँ अपने ऊपर वाले से क्या है, कोई है ही नहीं। हम इसको चेक कर सकते हैं कि 102 106 से छोटा है नेगेटिव, 102 102 से सेम है ज़ीरो, 104 102 से बड़ा है प्लस, लेकिन इसके लिए कोई ऊपर है नहीं जिससे चेक करूँ, तो पहले वाले हमेशा हम क्या करते हैं खाली छोड़ देते हैं, dx dy ये डेविएशन साइन है। अब मुझे देखो क्या करना है, dx into dy निकालना है, ये x की डेविएशन थी ये y की डेविएशन थी, इनको मल्टीप्लाई करना है, पहला खाली ये खाली यहाँ पे भी खाली रहेगा, आगे प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू जीरो, जीरो कभी भी
खुश नहीं होता, पॉजिटिव नहीं देता जब तक जीरो को जीरो ना मिले, तो प्लस इंटू जीरो नेगेटिव ही होगा। फिर आगे प्लस इंटू माइनस, दैट विल बी माइनस, माइनस इंटू जीरो दैट विल बी माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, दैट विल बी जीरो इंटू, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस इंटू प्लस प्लस, जीरो इंटू जीरो, जीरो जीरो से मिल रहा है तो प्लस देगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये जीरो का मतलब वो जीरो नहीं की वैल्यू, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं आया, ये डेविएशन साइन है। ये जीरो इसलिए है कि 125 कोई चेंज नहीं आया, ये एक साइन की तरह काम कर रहा है जीरो यहाँ पे। तो इसकी जो dx dy है उसके लिए भी वही रूल्स अलग चलेंगे कि जो मैंने आपको ऊपर लिखवाए। ये नहीं मैम जीरो को प्लस किसी के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर तो जीरो आता है, नहीं, ये यहाँ साइन की तरह काम कर रहा है। जीरो सिर्फ जीरो के साथ पॉजिटिव देता है, बाकी किसी के साथ भी हो ये नेगेटिव ही देगा। क्लियर है चीज, बस ये सारी पता लग गया। तो हमें एक्स वाई दिया हुआ था, हमने डेविएशन साइंस डीएक्स निकाले, डेविएशन साइंस डीवाई निकाले, इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई क्यों किया, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट टू सी माइनस एन अपॉन एन, यही फॉर्मूला था हमारे पास, पक्का ना। चलिए फिर आगे, अंदर भी प्लस माइनस था। चलिए अब c क्या होता है, c हम देखते हैं कि dx dy में कितने प्लस है, यहाँ पे दो प्लस आए हैं तो c कितना होगा, 2 होगा। ये चीज़ क्लियर है, c मतलब कि कितने आपके जो dx dy वाले में प्लस आए हैं, दो प्लस थे। उसके बाद n क्या होता है, n का मतलब ये होता है कि जितनी ये वैल्यूज़ हैं उसमें से एक कम, यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है ध्यान से, 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कैपिटल N कितना है, 10, स्मॉल N का मतलब एक वैल्यू कम, दैट इज 9। इसीलिए मैं कह रही थी कि आपने फॉर्मूला में स्मॉल N यूज़ करना है, कैपिटल N नहीं। कैपिटल N का मतलब होता है कितनी वैल्यूज़ हैं, स्मॉल N का मतलब उससे एक कम लेनी है। तो स्मॉल N कितना हुआ यहाँ पे, 9 हुआ। तो इस फॉर्मूला में C की वैल्यू और N की वैल्यू हम डाल रहे होंगे, C कितना आया 2, N कितना आया 9। अब वैल्यूज डालते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू डाली 2c माइनस एन अपॉन एन, वैल्यूज डाली यहाँ पे कितनी है ध्यान से देखना। ये हमारे पास देखो ध्यान से, बाहर भी प्लस माइनस था, अंदर भी प्लस माइनस था, और सॉल्व करके मेरे पास यहाँ बना माइनस 5/9। बहुत ध्यान से समझना, ये प्लस माइनस का गेम बहुत आसान है, ठीक है, माइनस 5/9। अगर हमारा ये आंसर नेगेटिव आता है, ध्यान से ये प्लस माइनस लगे हुए हैं, अगर इसको सोल्व करने से आंसर नेगेटिव आता है तो हम इस प्लस माइनस में से नेगेटिव लेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर इसको सोल्व करने से आंसर क्या आया, नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस दोनों नहीं रखना होता हमें फाइनल आंसर में, एक उठाना होता है। अगर इसको सोल्व करके आंसर नेगेटिव आए तो हम माइनस रखते हैं, अगर पॉजिटिव आए तो प्लस रखते हैं। मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, माइनस 5/9 आ रहा है रूट के अंदर, तो मैं इसका, इस प्लस माइनस का माइनस ही रखूँगी। ये दो थे ना प्लस माइनस, माइनस ही रखूँगी, और जो अंदर रखते हैं वही बाहर रखते हैं, तो बाहर भी क्या रखूँगी, माइनस। तो ये माइनस अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो गए 5/9। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5/9, 5/9 ये होता है रूट लेके आंसर ये आया, ये बाहर वाला माइनस है। मेरी बात समझ आई, हम फॉर्मूला में ज़रूर प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, लेकिन एंड तक इसको देखते हैं हमें प्लस रखना है कि माइनस। अगर इसका आंसर नेगेटिव आए तो हमें यहाँ से नेगेटिव ही रखना होता है, ताकि हमारा टोटल आंसर पॉजिटिव बन जाए रूट के अंदर। अगर ये नेगेटिव आया है, मैंने यहाँ से भी नेगेटिव रख लिया, तो रूट के अंदर पॉजिटिव बन गया था ना, रूट के अंदर हमें पॉजिटिविटी चाहिए होती है। तो इसलिए अगर इसका आंसर नेगेटिव आए तो हम इसको भी नेगेटिव रखते हैं, ताकि ये दोनों मिलके पॉजिटिव बना दे, और जो अंदर रखते हैं वही साइन बाहर रखते हैं। मैंने यहाँ पे नेगेटिव रखा था ना, तो बाहर भी नेगेटिव रखा, चाहे पूरा आंसर हमारा नेगेटिव बन जाए कोई बात नहीं, रूट के अंदर नहीं नेगेटिविटी होनी चाहिए। अगर मान लो ये हमारा आंसर क्या आता, पॉजिटिव आता, तो मैं यहाँ से भी पॉजिटिव उठाती, ये पॉजिटिव उठाया तो बाहर से भी क्या उठाती, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आंसर क्या आया था, नेगेटिव, तो मैंने ये साइन क्या उठाया, नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव, ठीक है। तो जो इसका साइन वही इसका साइन और वही इसका साइन उठाना है, तो इसका साइन नेगेटिव आया था सॉल्व करके, इसका भी नेगेटिव उठाया ये देखो, और इसका भी नेगेटिव उठाया,
ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन के ये बन गया, बाहर वाला नेगेटिव एज इट इज, इसका रूट निकाला 0.75। बस ये कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है, बताओ क्या डिफिकल्ट नहीं। चले आगे, नाउ लास्ट टॉपिक इसका बहुत इजी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बस फिट हमारा चैप्टर कंप्लीट। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में क्या करना होता है, सिंपल हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर कर देते हैं। अगर कोई पूछ रहा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालो, मतलब आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर करना है। कोई कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछ रहा है, मतलब 1 माइनस स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, नॉन डिटर्मिनेशन इज 1 माइनस आर स्क्वायर। ये देखो, ये हमेशा क्या होता है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन तो होगा कि ठीक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट डाल देंगे, अच्छा ये भी बता दो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कहते हैं डाटा हमें दिया हुआ है एक्स और वाई का, यहाँ पे ईयर, इम्पोर्ट प्राइस, क्वांटिटी इम्पोर्टेड दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमें आता है, हमने सीख लिया, ठीक है। साथ में फिर सेकंड पार्ट भी दे देगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन क्वांटिटी इंपोर्टेड दैट इज एक्सप्लेन बाय द वेरिएशन इन द इंपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन है क्या, ध्यान से एक बार दोबारा देखो, द डाटा रिलेटिंग टू इंपोर्ट प्राइस एक्स एंड इंपोर्ट क्वांटिटी वाई, ये हमारा एक्स है और ये हमारे पास क्या है, वाई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी ऐसे दिया हुआ है, कार्ल पियर्सन्स निकालो, एक्स वाई दिया हुआ है, कार्ल पियर्सन्स कैलकुलेट हो जाएगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन, अगर परसेंटेज ऑफ वेरिएशन पूछा जाए, मतलब आपको निकालना होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साथ, मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये छोटे छोटे पार्ट साथ में होते हैं, अगर आप नहीं करते एक दो नंबर कट जाते हैं। पूरा कार्ल पियर्सन कर लिया तो एक आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने में क्या ही प्रॉब्लम होगी, अगर फॉर्मूला पता तो इजीली निकाल लोगे। तो कार्ल पियर्सन पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, पूरा आर निकाला हुआ है, देखो तो यहाँ पे आर कैलकुलेट हो गया 0.1389। अब उससे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन का मतलब है आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर निकालना है, बहुत सिंपल है। तो आपको परसेंटेज ऑफ वेरिएशन में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालते हैं, ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। इतना सा पार्ट है, इससे नंबर मिल रहे होंगे, तो परसेंटेज ऑफ वेरिएशन मतलब आपने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर निकाला। हमारे पास आर था, आपने आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट किया, आंसर आया 0.0192। उससे कहा था परसेंटेज निकालनी है ना, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन। आप इस आंसर को जब भी परसेंटेज निकालनी होती है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना परसेंट हो गया, 1.92%। जब भी परसेंटेज निकालनी हो हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा, 1.92%। तो यही लिखा है, देखो इट मीन्स 1.92% ऑफ द वेरिएशन, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन का मतलब, ठीक है इन दोनों में रिलेशन है, लेकिन ये एक दूसरे को कितना इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कितना इफेक्ट पड़ता है इन पे। तो 1.92% ऑफ द वेरिएशन इन क्वांटिटी इंपोर्टेड आर एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द इंपोर्ट प्राइसेस, ये एक दूसरे पे कितना इफेक्ट करते हैं, एक से दूसरे पे कितना इफेक्ट पड़ा, 1.92% ऑफ द वेरिएशन इसकी वजह से होती है। तो जब भी परसेंटेज ऑफ वेरिएशन पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर आप कार्ल पियर्सन्स तो कर लोगे वहां पे, ये पार्ट इस लाइन के लिए क्यों नंबर अपने जाने देने, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करो, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं उसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जब क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं ना, हम जितने में सोचेंगे यार कौन करे उतने में तो क्वेश्चन हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं लगता। आपको लगता है ग्रुप्ड वाला मेरे को लग रहा है थोड़ा सा, उसका टेबल डिफिकल्ट है, तो उसे ग्रुप्ड वाले की प्रैक्टिस कर लो ना, सबकी क्यों कर रही, सबके टेबल आसान है। तो जो पोर्शन डिफिकल्ट लगता है, जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूलाज अच्छे से लिख के देख लो, बहुत है चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और कौन से चैप्टर्स के आपको वन शॉट चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो do like, share, comment and subscribe to my channel which is Dream Best. Thank you so much for watching. Hold me close till I get up. Time is